हाय दोस्तों, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि वी हैव स्टार्टेड दिस मॉर्निंग 9 to 10 बैच, कि जिसमें हम लोग सुबह लाइव होते हैं यूट्यूब पे। तो जिन जिन लोगों को गुजरात गवर्नमेंट की तैयारी करनी है और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गुजरात गवर्नमेंट की एग्जामिनेशंस के लिए, वो लोग ये बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो सुबह 9 बजे विजय सर, मैं, फिर सोहम सर, चेतन सर, मनोज सर, हम सब लोग हर रोज़ कोई ना कोई सब्जेक्ट लेके आपके सामने आते हैं कि जिससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो शाम को 4 बजे मी एंड विजय सर आर टेकिंग अ बैच फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट examinations like IBPS or any banking other examinations or SSC or some if you are preparing for army, then also you can join this batch शाम को 4 बजे। And if is there any expert faculty who want to join the Kachhua, who want to explore their knowledge, who want to share their knowledge through the platform of Kachhua, we are welcoming you. If you are expert faculty for GPSC, UPSC or any other subjects like IBPS and for standard 5 to 12 Gujarati English medium and spoken English and any technical engineering subjects, so if you are expert and you wanna join Kachhua, we welcome you. So let's just start. Hi friends, so let's just start today's session and what इट इज़ अबाउट। सो अगर मैं बात करूँ तो आज का जो सेशन है वो है आपके लिए पेपर सोल्यूशन। क्या है? पेपर सोल्यूशन। और किसके लिए है? तो RRB का लास्ट ईयर का पेपर है, मेमोरी बेस्ड मैंने लिया है, 2017 का पेपर है जो कि RRB का है। तो वो उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, तो आप सब लोग आई होप के रेडी होगे पेन पेपर के साथ। और ये सब्जेक्ट है रीजनिंग का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। चलो, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो हमें ये बताना है कि इसमें जो सीरीज़ है, एक सेकेंड, जो सीरीज़ कुछ इस तरह से है कि ZB, XD, UG, QK, ये आपकी सीरीज है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड रुकना। द सीरीज इज ZB, XD, UG, QK, ZB, XD, UG, QK एंड क्वेश्चन मार्क। सो दिस इज़ द सीरीज। अभी आपको मुझे ये बताना है कि इधर क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड देन गेट योर आंसर। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो हमें दिख रहा है कि Z के बाद B आया, फिर X के बाद D आया। तो कहीं ना कहीं जो अल्फ़ाबेट्स होते हम लोग बोलते हैं कि E2Z है। फिर इतना ही नहीं, E2Z हमें ऐसा अज्यूम करना है कि वो एक राउंड में है। कैसे? राउंड में, यानी कि A से शुरुआत हुआ तो A B C D करके जाएगा पूरा Z तक, वापस से A से शुरू होगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैं बात करूँ Z देन A B C D ऐसे करके जाएगा, E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ठीक है। अब हमारे पास है ZB, तो हमें क्लियरली दिख रहा है, मैं Z को इधर से हटा के इधर मैंने रख दिया है, ठीक है। तो Z के बाद वापस से हम लोग को ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर तो कुछ है नहीं, कोई नहीं, इधर नहीं है, पर ABCD तो है ना, तो मतलब क्या है, एक सर्कल में, ठीक है।
तो जेड से शुरू हो के ये ए आया फिर बी आया, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कितना गैप है, एक लेटर का गैप, एक अल्फ़ाबेट का गैप है जो कि है ए। अब अगर हम लोग बात करें एक्स और डी की, तो ये रहा एक्स, फिर एक दो तीन चार पाँच, पाँच का गैप है। अगर हम लोग बात करें यू और जी की, यू यहाँ पे, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह आया। अगर हम लोग बात करें क्यू और के की, तो क्यू इधर है फिर के, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस आया। ठीक है, अब इससे हमें दिख रहा है कि एक पाँच ग्यारह उन्नीस, चलो इसका डबल डिफरेंस निकालते, ये चार है पाँच में ये गया छः गया, ये कितना आएगा आठ आएगा, क्योंकि हमें एक पाँच ग्यारह और उन्नीस से कुछ नहीं मिल रहा था, एक पाँच ग्यारह और उन्नीस से हमें कुछ नहीं मिल रहा था। तो जब भी हमें कुछ नहीं मिल रहा है तब हम लोग क्या करेंगे, तो तब हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें कुछ और सोल्यूशन मिले, क्योंकि एक पाँच ग्यारह उन्नीस से तो कुछ पता नहीं चलेगा, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या डबल डिफरेंस है। तो हमने क्लियरली देखा कि चार छः आठ, तो उसके बाद क्या आएगा चार छः आठ, फिर कितना गैप आएगा दस का गैप आएगा, दो दो बढ़ रहे चार के बाद छः फिर आठ और दस, दस का गैप आएगा, दैट मीन्स 29 का गैप आएगा। तो इसमें से चेक करो एल और के, तो एल इधर है के इधर है, तो हमें ऐसा नहीं करना कि पास में ये तो एक का गैप है, नहीं मतलब किसी का भी गैप नहीं है, हमें वो पूरा ऐसे टर्न होके आना है। ठीक है, अज्यूम करना है कि वो क्या है एक सर्कल है। चेक करते हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, चौबीस है नहीं चलेगा। फिर है एल और ओ, तो चौबीस इधर आया था, पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस फिर से नहीं है, दैट मीन्स कि 29 का गैप कब होगा जब पी होगा, तब क्लियरली दिख रहा है। तो नेक्स्ट क्या आएगा एल एंड पी, क्लियर, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एल एंड एल पी, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के सवाल में हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने पहला सवाल देखा उस टाइप के सवाल में हमें क्या करना होता है, तो उस टाइप के सवाल में सबसे पहले तो हमें चेक करना होता है कि नंबरिंग क्या है, दो अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन क्या है, या फिर हमें चेक करना होता है कि उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, वैसे भी कर सकते हैं। चलो देखते हैं क्या अगर हम लोग वही सवाल क्या किसी और मेथड से कर सकते हैं। तो जेड से एक्स गया, जेड से एक्स गया एक कम हुआ, एक्स से यू आया दो कम हुए, यू से कितना आया क्यू आया, दैट मीन्स एक दो तीन कम हुए, तो अब कितने कम होने चाहिए चार कम होने चाहिए, तो क्यू से एक दो तीन चार, तो एल आएगा, ये भी लॉजिक लग रहा है इधर। कैसे, जेड से अगर मैं एक्स जाऊँ कम कर रही हूँ तो माइनस एक हो रहा है, एक्स से अगर मैं यू जाऊँ तो माइनस दो हो रहा है, यू से अगर मैं क्यू जाऊँ तो माइनस तीन हो रहा है, क्यू से अगर मैं एल जाऊँ तो माइनस चार आएगा, सही है। अब चेक करते हैं क्योंकि एल वाले तीन ऑप्शन है, तो वी हैव टू चेक। अब अगर चेक करें बी डी जी के में, तो बी इधर है, बी के बाद क्या आया डी आया, दैट मीन्स एक का गैप आया, फिर डी के बाद जी आया दो का गैप आया, जी के बाद के आया तो एक दो तीन का गैप आया, तो के बाद चार का गैप, तो एक दो तीन चार क्या आएगा पी आएगा। ठीक है, तो P और L आया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया L और N, L एंड P। इधर माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर हो रहा था, इधर क्या हो रहा है प्लस वन, मैंने अलग पेन यूज़ किया ताकि आपको पता चले, प्लस टू प्लस थ्री और प्लस फोर। ठीक है, तो ये एक दूसरा लॉजिक है जो आप यूज़ कर सकते हो, क्लियर। आई गेस फर्स्ट वाले से बेटर सेकेंड वाला है, जल्दी आंसर आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी अगर आपको दिमाग में ये लॉजिक क्लिक नहीं करता 1, 5, 11, 19 वाला, तो उससे बेटर है आप फर्स्ट जो ये जो सेकेंड वाला लॉजिक है जो कि ये माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री वाला, जिसका मतलब है कि अल्फ़ाबेट्स कम करने का और अल्फ़ाबेट्स बढ़ाने का, वो इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह है, हाउ मैनी सच पेयर्स ऑफ नंबर आर देयर इन द गिवन सीरीज, इन द गिवन नंबर्स 4, 6, 5, 7, 9, 7, 3, 9 बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम एज फार एज अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिक सीरीज। अब इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 4, 6, 5, 7, 9, 7, 3, 9 इसमें से अगर मैं बैक फॉरवर्ड चेक करूँ और बैकवर्ड चेक करूँ तो कौन से नंबर अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिक सीरीज आएंगे। इसका मतलब 4 के बाद 5 आता है तो इधर आता है, नहीं आता। जो 4 से हम लोग चेक करेंगे, 4 फिर 5, 6, 7 तो हाँ इधर आता है, तो इसको हम लोग लिख देंगे 1। अभी ये 1 लिखने का कारण क्या है? क्योंकि जब हम लोग चेक करेंगे तब हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, जब अगर हम लोग नंबरिंग नहीं कर रहे तो हमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, नंबरिंग देते चलेंगे। तो 4, 5, 4 के बाद 5, 6, 7 फिर 8, 9 फिर तो 10 तो इधर आएगा नहीं। चलो 6 से चेक करते, 6, 7, 8, 9 तो 6 से 9 आ रहा है तो इसको लिख देंगे 2। अगर आप लोग 1-1 लिख रहे हो तो 1 फिर 1 फिर 1 वो काउंट करने में टाइम जाएगा, उससे बेटर है कि आप 2 से 1 के बाद 2 ही लिख दो, तो आपको जो नंबर बचेगा एंड में वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग चेक करें तो 5 आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 नहीं हो रहा है, फिर 7, 8, 9 7 के बाद 8, 9 नहीं हो रहा है, 5 के बाद 6, 7, 8, 9 नहीं हो रहा है, 9 के बाद तो होगा नहीं, 7 के बाद 8 और 9 तो हाँ इधर हो रहा है, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा तीसरा। 3 के बाद 4 नहीं होगा, 9 के बाद 10 नहीं होगा, फिर 3 के बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसा है कि 3 के बाद हमें छोड़ देना है इधर 7 और 9, 7 आया है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि पीछे कहीं पर भी 9 दिया हो, ठीक है। तो क्योंकि बैकवर्ड लिखा है बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, तो इसीलिए हमें क्या चेक करना है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड बोथ। फिर 7, 8, 9 नहीं होगा, 9, 10 नहीं होगा, 7 के बाद 8, 9 नहीं होगा, 5 के बाद 6 तो हाँ ये हो रहा है, 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इधर 3 नंबर आया था तो इधर 4 आएगा, फिर 6 के बाद 7 आएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो कितने टोटल पैर मिले, 4 मिले, दैट मीन्स कि हमारे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आएगा, मोर देन 3। करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, मोर देन 3 हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्लियर। चलो इसको अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगर हम लोग तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इफ इट इज पॉसिबल टू मेक ओनली वन मीनिंगफुल वर्ड विथ फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सेवेंथ लेटर्स ऑफ द वर्ड ई सी यू A D O R, which word would be the second letter of the word from the right? अगर ऐसा possible है कि हम लोग ये जो दिया है हमें E C, ये जो हमें दिया है word that is E C U A D O R, तो इसके first यानी कि E, सेकेंड यानी कि सी, फिर फोर्थ यानी कि ए और सेवेंथ, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रहे, तो ये हमें मिल गया ई ए सॉरी ई सी ए आर, ठीक है, इतने वर्ड मिल गए। अगर इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो सबसे पहले तो चेक करते हैं, तो हाँ बनता है, कौन सा वर्ड बनेगा, चलो मुझे कमेंट्स में बताओ कि कौन से वर्ड्स बनेंगे, ठीक है। आर ए सी ई रेस, जिस में हम सब लोग भाग रहे हैं, मैं और आप सब, ठीक है। और अगर बात करें दूसरा वर्ड तो जो कि है केयर, सी ए आर ई केयर, ठीक है, ये दोनों वर्ड्स बन गए। और कोई वर्ड बनेगा, अगर बन रहा है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। फिर बोला है कि इफ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड गिव आंसर वाई एज द आंसर, अगर एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं, क्या बोला है, एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं तो हमें आंसर क्या करना है, वाई आंसर करना है।
अगर हम लोग इधर देखें तो क्या दिया है कि हमें बोला है कि सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड फ्रॉम द राइट। अभी इधर राइट साइड से सेकेंड लेटर तो सी आ रहा है, इसमें इसमें आर आ रहा है, पर ऐसा क्लियरली बोला है इफ़ मोर देन वन सच वर्ड कैन बी फॉर्म्ड, अगर एक से ज़्यादा वर्ड्स बन रहे हैं तो हमें आंसर क्या करना है, वाई आंसर करना है, ठीक है। अगर नहीं बन रहे हैं तो जेड आंसर करना है, पर हमने तो देखा हमारे तो दो बन रहे, रेस और केयर, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा, वाई। क्यों? क्योंकि एक से ज़्यादा वर्ड बन रहे हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑड नंबर एंड टू इज एडेड टू ईच इवन इन द नंबर, द नंबर इज 9, 4, 3, 6, 5, 2, 7, देन हाउ मैनी डिजिट्स विल अपियर ट्वाइस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म। हमें ये करना है कि एक को कम करना है अगर वो ऑड नंबर है तो। सबसे पहले नंबर लिख देते हैं 9, 4, 3, 6, 5, 2, 7, ठीक है। इसमें से ये देखो कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में से एक सब्ट्रैक्ट करना है, ऑड में से एक कम करना है, और अगर इवन नंबर है तो दो ऐड करना है। तो अगर इवन नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, दो को ऐड करेंगे, ठीक है। चलो 9 में से एक कम किया 8 आएगा, 4 इवन नंबर है इसमें 2 जोड़ दिया 6 आएगा, 3 क्या है ऑड नंबर है तो क्या आएगा 2 आएगा, 6 क्या है इवन नंबर है तो क्या आएगा 8 आएगा, 5 क्या है ऑड नंबर है तो क्या आएगा 4 आएगा, 2 क्या है इवन नंबर है तो क्या आएगा 4 आएगा, 7 क्या है ऑड नंबर है तो कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। ये कंडीशन ऐसी दी हुई है कि अगर आपका नंबर इसमें जो नंबर दिया है उसमें जो अगर ऑड नंबर है तो क्या करेंगे -1, अगर इवन नंबर है तो क्या करेंगे +2। क्लियर? चलो तो क्या बोला था कि हाउ मैनी डिजिट्स विल अपियर ट्वाइस इन द न्यू नंबर दस फॉर्म्ड, इसमें से दो बारी कौन से नंबर आ रहे हैं। तो अगर हम लोग चेक करें तो 8 है वो दो बारी आ रहा है, 6 जो है वो दो बारी आ रहा है, और 4 जो है वो दो बारी आ रहा है। इसका मतलब 2 के अलावा बाकी सारे नंबर्स जो है वो कितनी बारी आ रहे हैं, दो बारी आ रहे हैं, ठीक है, 2 के अलावा। क्लियर? सारे नंबर्स दो बार आ रहा है 2 के अलावा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा कि 8, 6 और 4, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। चलो और अगर आपके कोई डाउट्स है तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा, अगर आपके कोई डाउट्स है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाउ मैनी लेटर विल बी रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द वर्ड क्वेश्चन वेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हमें दिया है कि क्वेश्चन QUESTION इसको हम लोग असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में 1, 2, 3, 4 वो हमारा क्या है असेंडिंग ऑर्डर है, उसमें हम लोग अगर लेफ्ट से राइट तक लिखेंगे तो कितने जो लेटर है उसकी पोजीशन अनचेंज होगी, मतलब वो सेम रहेंगे उसकी पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है। चेक करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे पहले आएगा कौन, तो ई आएगा सबसे पहले। दूसरे नंबर पे अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई देन जे के एल एम एन ओ देन पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, वी डब्ल्यू एक्स वाई ओ पी क्यू ओ, ये इधर सॉरी गलती हो गई, ये क्या आएगा इधर अगर हम लोग देखें तो, मैं वापस से लिखती हूँ चलो, क्योंकि क्यू रह गया बेचारा, बेचारा नहीं बोल सकते बट क्यू रह गया, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं ई से, फर्स्ट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू, देन आर आएगा एस टी यू, ठीक है, क्लियर। अब हमें देखना है कि इसको ये जो नंबरिंग की है वैसे ही पोजीशन में लिखते हैं, ई आएगा फिर क्या आएगा आई आएगा फिर आएगा एन आएगा, और अगर हम लोग देखें तो फोर्थ पोजीशन पे है ओ है, अगर फिफ्थ पोजीशन पे देखें तो क्यू है, सिक्स पे एस है, ये टी है और लास्ट में क्या है यू है। तो ये भी नंबर एन था, ये यू हो गया, ये ओ था, ये टी हो गया, आई था, एस हो गया, टी था, क्यू हो गया, कहीं पे भी नंबर सेम नहीं दिख रहा, इसका मतलब आंसर क्या आएगा नन, नन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सारे जो लेटर है उन सब लेटर्स ने उनकी पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक पजल है, पजल में क्या दिया है कि रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमें दिया है एट बॉक्सेस ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर प्लेस ऑन वन अबव द अदर इन अ इन एनी पर्टिक्युलर ऑर्डर। अभी क्या बोला है कि फॉर एन एग्जाम्पल इधर आठ है, आठ नंबर का बॉक्स है, तो क्या आएगा सात आएगा फिर छः आएगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में प्लेस किया होगा, इसका मतलब एक के ऊपर एक ऐसे करके प्लेस किया होगा, ठीक है। तो क्या बोला है बॉक्स नंबर वन इज एट द बॉटम, इसका मतलब जो टॉप पे है वो क्या होगा आठ, क्योंकि एट बॉक्सेस है, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि आठ, सबसे पहले तो ये बना देने का, फिर छः, फिर पाँच, फिर यह आएगा चार, यह आएगा तीन, यह आएगा दो एंड इधर आएगा एक, ठीक है। चलो मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो जाए। हम लोग ये इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। चलो अपने फर्स्ट लाइन तो रीड कर ही ली, तो मैं उसको भी हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। थोड़ा वापस से लिख देते हैं ताकि आपको कट ना हो कुछ भी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है ये, क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो सारे सवाल ध्यान से पढ़िएगा। आठ, फिर सात, छः, पाँच, चार, तीन, दो, एक। चलो आई होप क्या अपने कट हो रहा है, अभी भी एक तो कट हो ही रहा है। चलो नीचे वाला एक है वो आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। चलो इन्फॉर्मेशन इतनी रखते हैं जो कि हमारे काम की, ठीक है। अब अगर हम लोग देखें तो क्या लिखा है कि बॉक्स नंबर वन इज एट बॉटम एंड एट टॉप, वो हमने कर दिया। फिर बोला है थ्री बॉक्सेज आर प्लेस्ड बिटवीन ए एंड बी। अब क्या बोला है कि ए एंड बी के बीच में तीन बॉक्स है। अभी ऐसा नहीं पता हमें कि ए ऊपर होगा कि बी ऊपर होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक तो ये वाली पोजीशन रख सकते हैं कि क्योंकि ये ऊपर नीचे है तो इसको ऊपर नीचे करते हैं, ऐसे कुछ हो सकता है ए डैश 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 बी या फिर बी डैश 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 ए, ये दोनों पोजीशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हमें ये नहीं पता कि ए ऊपर होगा कि बी ऊपर होगा, इसीलिए हमें ये दोनों पोजीशन खुली रखनी है। नेक्स्ट चेक करते हैं कि बॉक्स एच इज केप्ट, बॉक्स एच इज प्लेस्ड इमीडिएटली बिलो ए, ए के तुरंत नीचे क्या है एच है। चलो इधर एच आ सकता है, इधर भी एच आ सकता है। फिर हम लोग दोनों केसेस को साथ में लेके चलेंगे, ऐसा नहीं कि सबसे पहले वाले में सॉल्व करिए, ऐसा आप करने जाओगे कि पहला केस आपने सॉल्व किया फिर अगर उससे आंसर नहीं आया तब जाके आप दूसरा केस सॉल्व करोगे, नहीं, हमें दोनों केसेस को साथ में ही सॉल्व करने हैं ताकि हमें पता चले कि आंसर कौन सा करेक्ट है। कहीं ना कहीं तो एक केस ऐसा होगा जो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। चलो ताकि हमारा टाइम भी कम वेस्ट हो। नेक्स्ट क्या बोला है कि देर आर
two boxes between H and G. H और G के बीच में दो बॉक्स है. अगर हम लोग बात करें इस केस की, पहले वाले केस की, तो H फिर एक दो, तो फिर G आना चाहिए इधर, तो पर इधर तो ऑलरेडी B है. दैट मीन्स कि ये केस क्या हो गया, गलत हो गया. पता चला, बोला क्या है कि H और G के बीच में दो बॉक्स होने चाहिए. अगर मैं ये दो बॉक्स रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ठीक है, तो इसको देखते हैं कि H और G के बीच में दो बॉक्स, तो ये हो गया. फिर कितने बॉक्स है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो ये तो नौ हो जाते हैं. तो कैसे करेंगे, तो ये नौ हो जाते तो कोई नहीं, H इधर रखो, क्योंकि ये भी नहीं बोला कि H ऊपर है या G ऊपर है, तो इसीलिए क्या होगा, H इधर आएगा, एक और दो बॉक्स छोड़ के G इधर आएगा. अब इसमें एक और पॉसिबिलिटी है, G अगर नीचे नहीं आ रहा है, G अगर नीचे नहीं आ रहा है तो G कहाँ पर आएगा, ऊपर भी आ सकता है. तो एक ये छोड़ा और एक ये छोड़ा, उसके ऊपर G आएगा. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि देयर आर एज मैनी बॉक्सेस बिटवीन C एंड D एज बिटवीन B एंड H. अगर हम लोग बात करें तो H और B के बीच में इधर एक दो और एक और दो बॉक्स है, इधर दो बॉक्स है H और B के बीच में, इधर H और B के बीच में एक दो तीन चार, चार बॉक्स है. ठीक है, इधर काउंट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, छः ऑलरेडी हो चुके हैं. हमें क्या बोला है कि C और D के बीच में भी उतने ही हैं, और क्या बोला है कि C इज केप्ट अबव D. ये पूरा पढ़ना, C इज केप्ट अबव D, इसका मतलब C कहीं ऊपर होगा, D के ऊपर होगा कहीं पे भी. और कितने गैप हो गए तो उन दोनों के बीच में, या तो दो हो गए या तो चार हो गए. चलो और क्या बोला है, चलो मान लेते हैं कि C इधर है, मान लेते हैं कि C इधर है, तो एक दो तीन चार, ये चार बॉक्स छोड़ के, मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ आपके लिए, इधर आएगा B, इधर हमारा था B, और मान लो ये C है, तो एक दो तीन चार, ये चार बॉक्स छोड़ के हम लोग रखेंगे D को. क्यों, क्योंकि जितने बॉक्स जो है वो H और B के बीच में है, उतने ही बॉक्स C और D के बीच में है. ठीक है, तो ये C और D हो गया. इसमें अगर हम लोग बात करें तो वो दो बॉक्स है, तो अगर मैं इधर रखती हूँ C तो ये दो बॉक्स नहीं आएंगे, अगर मैं इधर C रखती हूँ तो एक दो बॉक्स रख के इधर D आएगा. ठीक है, फिर बोला है कि बॉक्स E इज़ इमीजिएटली बिलो बॉक्स D, D के इमीजिएटली बिलो क्या है, बॉक्स E, तो इधर E आएगा, इधर E आएगा. चलो देर सॉरी फिर क्या बोला है कि थ्री बॉक्सेस आर देयर बिटवीन E एंड F, E और F के बीच में तीन बॉक्सेस हैं. तो इधर अगर हम लोग देखें तो एक दो तीन, फिर इधर तो C दिया है. देखो क्या बोला है, E और F के बीच में तीन बॉक्स है, E और F के बीच में एक दो तीन बॉक्स है. इधर मैं E को अज्यूम कर रही हूँ, तो एक दो तीन, फिर इधर तो ऑलरेडी C दिया है, तो ये तो केस गलत हो गया. अब आप लोग बोलोगे कि नीचे भी तो आ सकता है, नीचे कैसे आएगा, टोटल बॉक्स कितने हैं, आठ बॉक्स है टोटल. तो अगर मैं इसको अगर नीचे रखूँ कि एक दो तीन, फिर F रखूँ, तो कितने बॉक्स हो जाएंगे, चेक करो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस बॉक्स हो जा रहे हैं. इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला केस था वो क्या हो गया, गलत हो गया. मैंने आपको बोला था कि हमें दोनों केस साथ में लेके चलना है, ताकि हमें पता चलेगा एट द एंड या फिर कहीं बीच में कि कौन सा केस गलत हो रहा है. तो इधर हमें लास्ट में पता चला कि केस नंबर वन जो है वो हमारा फेल हो गया. ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि कभी फर्स्ट वाला ऑप्शन नहीं चलता तो हम लोग सेकेंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं. ठीक है, वही केस इधर हुआ कि फर्स्ट वाला हमारा प्लान था वो फ्लॉप हो गया, अब सेकेंड वाला प्लान चलेगा. चलो, तो ई के बीच में और एफ के बीच में तीन की गैप है. इधर क्लियरली दिख रहा है कि एफ के लिए एक ही पोजीशन बची है, और अगर देखें तो एक दो तीन, ये डी एच और ए जो है वो तीन बॉक्स है जो एफ और ई के बीच में है. तो ये बन गया हमारा करेक्ट, क्या आएगा इसका, अगर मैं रखूँ इधर तो फर्स्ट वाला क्या है, B, देन C, G, F, A, देन H, देन D, देन E. ठीक है, ये हमारा बॉक्स बन गए कि इस तरह से बॉक्स को एक के ऊपर एक रखा गया है.
चलो क्लियर हो गया है, क्लियर नहीं हुआ है तो वापस से देख लो और खुद से ट्राई करो, समझ आ जाएगा। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। चलो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पढ़ते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चलो सबसे पहले तो ये जो पोजीशन है वो लिख देते हैं, बी सी जी एफ ए एच डी ई। पोजीशन कुछ इस तरह है, बी सी जी एफ ए एच डी ई, ठीक है। आयो कैसे है तो क्वेश्चंस देखते हैं, ये आठवें नंबर पे था, ये सातवें नंबर पे, ये छठे पे, ये पांचवें पे, ये चौथे पे, तीसरे पे, दूसरे पे, फर्स्ट पे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि हाउ मैनी बॉक्सेस, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर अबाउट बॉक्स डी, डी के ऊपर कितने बॉक्स है। चलो डी कहाँ पे है, तो डी यहाँ पे, डी के ऊपर कितने बॉक्स है, तो एक दो तीन चार पाँच छः बॉक्सेस है, तो ऑप्शन सी क्या है, सिक्स, तो करेक्ट आंसर। अगर आपका पजल सही बना है, अगर आपका पजल सही बना है तो बहुत जल्दी आप इसका करेक्ट आंसर कर पाओगे, विद इन सेकेंड्स आप इसके आंसर्स कर पाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, छः। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट एट द टॉप, इसमें से टॉप पे कौन कौन सा बॉक्स है, तो आठवें नंबर पे जो है वो टॉप पे आएगा, तो बी है, तो क्लियरली ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर हम लोग बात करें चूज द ऑड वन आउट, चूज द ऑड वन आउट, इसमें से जो ऑड है, ऑड मतलब अगर मैं बोलूं कि मान लो कि फॉर एन एग्जांपल पांच लड़कियां खड़ी है, उन लोगों के बीच में एक लड़का खड़ा है, तो आप लोग को बोलो, बोला जाए कि चूज द ऑड वन आउट, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे बोलोगे कि ये लड़का, क्योंकि मेजोरिटी किसकी है, लड़कियों की। सेम थिंग कि जो ऑड है, जो अलग है, उसको बाहर निकाल दो, चेक करते हैं कौन सा सिक्वेंस है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कैसे दिया है, ऑप्शंस देखने पड़ेंगे कि ऑप्शंस में कैसे कौन किससे मैच हो रहा है, ठीक है। चलो ऑप्शन है बी जी ए डी ई, तो बी इधर है, देन जी इधर है, देन ए इधर है, देन दिया है डी एंड देन दिया है ई। अब इसमें से क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो, इसमें से क्या आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो, लाइक क्या कोई ऑड इवन का, देखो इधर क्या दिया है, बी जो है वो आठवीं पोजीशन पे है, क्योंकि इधर से कुछ क्लियरली दिख नहीं रहा, पर उसके पोजीशन देखो, आठवीं पोजीशन पे है बी, जी जो है वो छठी पोजीशन पे है, बात करें ए की तो चौथी पोजीशन पे है, डी जो है वो दूसरी पोजीशन पे है, यानी कि दो चार छः आठ कौन से नंबर्स है, इवन नंबर्स है, कौन से नंबर्स है, इवन नंबर, ये एक जो है वो नहीं है, तो इसीलिए आंसर क्या आएगा, ई। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि एक मिनट, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेस इज केप्ट बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ए के बीच में कौन सा बॉक्स रखा है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एफ और ए के बीच में कोई बॉक्स नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एफ है उसके नीचे ए है, तो कोई भी बॉक्स नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नन एस बॉक्स एफ इमीडिएटली अबव बॉक्स ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, हाउ मैनी बॉक्सेस आर देयर बिटवीन सी एंड ए, सी और ए के बीच में कितने बॉक्सेस है, सी कहाँ पे है, इधर है और ए इधर है, चेक करते हैं, एक दो दो बॉक्सेस है, तो क्या आएगा आंसर, नन ऑफ दिस। क्यों नन ऑफ दिस आएगा, क्योंकि क्या बोला है, हमें बोला है कि कितने बॉक्स है ए और बी के बीच में, तो क्लियरली दिख रहा है कि ए सॉरी सी और ए के बीच में, तो दो बॉक्स है सी और ए के बीच में, पर दो तो ऑप्शन में ही नहीं दिया, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन क्या है, लेस देन टू, दो से कम, पर हमें तो क्या चाहिए, दो ही चाहिए, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीस, ठीक है।
तो ऐसे ही एक पज़ल के ऊपर से आपको पांच सवाल या तीन सवाल, अगर पज़ल छोटी है या फिर बहुत सिंपल पज़ल है तो उस पर आपको तीन सवाल पूछेंगे। पर इस टाइप्स के पज़ल जो है वो हर एग्ज़ाम में तीन से चार आते ही आते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, इनइक्वालिटी का, जिसको हम लोग बोलते हैं इनइक्वालिटीज। इन दिस क्वेश्चंस द रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स आर शोन इन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जो बोला है वो पक्का है, इसका मतलब स्टेटमेंट मानना है कि वो जज है, ठीक है, और ये क्या है, लॉयर है, कंक्लूजन लॉयर है, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अज्यूम करेंगे कि क्या बोला है कि जो स्टेटमेंट होगा वो पक्का है, उससे हम लोग कंक्लूजन क्या ऐसा निकाल सकते हैं वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस कुछ इस तरह है, ये ए टू ई जो है वो ऑप्शन है, सबके लिए कॉमन है। हम लोग चार या पांच सवाल देखेंगे जिसमें ऑप्शंस कॉमन रहेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इफ़ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, इसका मतलब सिर्फ कंक्लूजन वन जो है, ये कंक्लूजन वन है वही फॉलो हो रहा है। सेकेंड ऑप्शन है सिर्फ अकेला यही फॉलो होगा, दूसरा वाला ही पहला नहीं फॉलो होगा। तीसरा है ईदर और, ईदर और का मतलब या तो एक होगा या तो दो होगा। चौथा है नीदर नॉर, यानी कि एक भी नहीं होगा दो भी नहीं होगा। पांचवा है दोनों होंगे, इसका मतलब ऑप्शंस में आपको बहुत आसानी से समझाती हूँ कि मान लो आपको कोई एक बिल्डिंग बनाना है, आपने कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर ने बोला, दो कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया, कॉन्ट्रैक्टर वन ने बोला कि मैं कर लूँगा, कॉन्ट्रैक्टर टू बोलता है मैं नहीं कर पाऊँगा। तो जो फर्स्ट वाला बोलता है मैं कर लूँगा तो क्या आएगा, इफ़ ओनली वन फॉलोस। अगर सेकेंड वाला बोलता है मैं कर लूँगा तो ओनली टू फॉलोस। अगर दोनों ऐसा बोलते कि मैं कर लूँगा, फर्स्ट वाला बोलता है कि मेरे से हो जाएगा, दूसरा वाला बोलता है मेरे से हो जाएगा, अब उसके पास यानी कि आपके पास ऑप्शन है, आप या तो ए के पास जाओगे या तो फर्स्ट वाले के पास जाओगे या तो सेकेंड वाले के पास जाओगे, पर दोनों के पास तो जाओगे नहीं। फिर दोनों में दोनों के दोनों आपको ना बोल देते तो वो नीदर नॉर हो जाएगा, और दोनों आपको हाँ बोलते हैं पर ऐसे बोलते हैं कि हम दोनों मिलकर काम कर सकते हैं तो क्या होगा, बोथ, ठीक है। चलो तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, ये हमारा दिया है आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एस, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू टी, इज ग्रेटर देन यू, इज ग्रेटर देन एक्स। अब इनमें से एक लिंक निकालो जो इससे कनेक्ट करता हो, क्योंकि ये क्या है, सेपरेट किया हुआ है, क्या किया है, सेपरेट किया है। तो इधर से अगर हम लोग देखें तो टी है, तो टी को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, टी को मैंने इधर नीचे लिख दिया। फिर क्या बोला है कि टी जो है वो छोटा है किससे, वी से छोटा है, वी छोटा है किससे, डब्ल्यू से, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। अब कंक्लूजन देखते हैं, आर इज ग्रेटर देन एक्स, तो देखो ये आर है इधर एक्स है, तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि ये इधर साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि ये आर जो है वो आर और एक्स का देखना है, तो उन दोनों के बीच में साइन कैसी है, ऑलवेज ग्रेटर ही है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू भी है, पर ये नंबर जो हो गए वो क्या हो गए, बड़े ही हो गए, तो आर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स, ग्रेटर देन एक्स। तो फर्स्ट कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, सेकेंड वाला चेक करते, x और w के बीच का रिलेशन दिया है, x ये रहा w ये रहा, तो चेक करो t जो है मान लो ये नहीं है, अब ये नहीं है ऐसा मान लो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, t को इधर ऐसे कर सकते हैं, v इसको मैं एक्सपांड कर रही हूँ, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो अब हमें क्या चाहिए, अभी हमें x और w चाहिए, तो w ये रहा x ये रहा, तो क्लियरली दिख रहा है जो साइन है दोनों के बीच में, एक ये वाला साइन है, ये वाला साइन है, ये वाला साइन है और ये वाला साइन है, इसका मतलब क्लियरली एक ही फ्लो में जा रहा है, एक ही फ्लो में जा रहा है, कौन से, ग्रेटर देन, तो क्या आएगा, ये भी करेक्ट है, तो क्या आएगा, दोनों जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन ई जो है वो करेक्ट होगा, बोथ आर ट्रू, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट वाला सवाल क्या बोलता है, नेक्स्ट वाला सवाल है इक्वल्स टू एफ इज लेस देन जी इज लेस देन एच और जी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई। ई और एफ को मैंने ऐसे लिख दिया, दोनों इक्वल्स है, ये जी है ये एच है,
और जी के बारे में क्या बोला है कि जी बड़ा है किससे, आई से, ऐसा दिया है हमें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है आई से। अब कंक्लूजन देखते हैं, एच इज़ ग्रेटर देन आई, एच क्या है, बड़ा है किससे, आई से। चेक करते हैं एच और आई, तो इधर क्या होगा कि जी जो है वो बीच में है, इधर एच आएगा और ये ऐसे होगा, ठीक है। अब एक चीज़ नोटिस करो, सॉरी इधर आई आएगा, ये क्या आएगा, आई आएगा, क्योंकि जी क्या है, छोटा है या तो बड़ा, इक्वल्स टू है किसके, आई के, ऐसे ही दिया, सॉरी ये गलत हो गया, इधर क्या आएगा, साइन ये वाला नहीं आएगा, साइन कौन सा वाला आएगा, ये वाला आएगा, आई आएगा। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, ये कंटिन्यूस फ्लो में जा रहा है, कौन से फ्लो में जा रहा है, कि इस तरफ बढ़ रहा है। मान लो अगर आपको कहीं पे ये वाले साइन दिखते हैं, अपोजिट साइन, तो अपोजिट साइन जब भी दिखते हैं तब वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या दिख रहा है, एक ही फ्लो में जा रहा है, सेम फ्लो है, इधर क्या है, सेम फ्लो है, तो क्या आएगा हमारा आंसर, करेक्ट है फर्स्ट वाला, क्योंकि एच बड़ा है। अगर बात करी ई और आई की, तो चेक कर दे, ई इधर है और आई इधर है, तो वापस से देखो कि ई है वो जी से आएगा, ये दूसरा वाला है, ठीक है, मिक्स मत कर देना, और ये जी जो है वो बड़ा है आई से। अब दोनों अपोजिट साइन आए, क्या है, दोनों अपोजिट साइन, मैंने आपको बोला कि एक ये वाला हो सकता है ग्रेटर देन लेस देन, और दूसरा वाला ऐसे हो सकता है जो कि अभी हमें मिला, लेस देन और ग्रेटर देन। तो इसका मतलब जब भी अपोजिट साइन आती है हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्यों, क्योंकि वो बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, इसीलिए सेकेंड वाला फॉलो नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस, करेक्ट, तो ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या बोला है, ए इज़ ग्रेटर देन एफ, बी इज़ ग्रेटर देन एफ, इज़ ग्रेटर देन सी, और ये ऐसे दिया है। तो इसको पहले तो मिक्स कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, कहीं ना कहीं तो लिंक करते ही होंगे दोनों, सी, अब देखो सी से लिंक हो रहा है तो बहुत बढ़िया है हमारे लिए, सी ये ई आ जाएगा और ये डी आ जाएगा। अब एक चीज़ नोटिस करो, इधर फ्लो सेम है और इधर फ्लो सेम है, पर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि सी इससे ई से छोटा है और एफ से बड़ा है, तो हम लोग नहीं बोल सकते कि क्या होगा वो, ठीक है। चेक करते हैं सी और ए, सी इज लेस देन ए, अगर हम लोग बात करें सी और ए की, यानी कि इस तरफ है तो चल जाएगा, पर इसमें ए बड़ा है, करेक्ट है भाई, यही तो है। बी और डी, तो बी और डी, तो देखो बी और डी के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बन सकता। अब आप लोग बोलोगे ऐसे कैसे नहीं बन सकता, मान लो कि F की वैल्यू 6 है, E की वैल्यू भी 6 है और इसकी वैल्यू 5 है, तो 5 जो है वो 6 से कम है, और इधर अगर हम लोग बोले तो 6 बड़ा है 5 से, और इधर हम लोग बोले तो 6, अरे सॉरी 5 कम है 6 से, अल्टीमेटली हुआ क्या, F इज़ इक्वल्स टू E। तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता। तो जब भी हमें अपोजिट साइन मिले कुछ इस तरह से, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं बोल सकते। तो इसमें भी आंसर क्या आएगा, ओनली वन, ठीक है, ओनली वन। चलो नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है के इज लेस देन इक्वल्स टू एल, इज लेस देन इक्वल्स टू एम, इक्वल्स टू एन। चलो लिख लेते हैं, कुछ इस तरह से दिया है हमें, एम और एन साथ में है, फिर एन जो है वो क्या है, छोटा है ओ से, और ओ जो है वो छोटा है पी से। अब फ्लो कैसे जा रहा है, देखो फ्लो कैसे जा रहा है, सब में एक ही साइन है, कौन सा, ये वाला। आप लोग बोलोगे मैम इधर तो इक्वल्स टू है, पर इक्वल्स टू है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इक्वल तो इक्वल ही होता है, तो एक ही साइन आ रहा है। अब देखते हैं के इज़ लेस देन पी, तो के इज़ लेस देन पी, तो हाँ के इज़ लेस देन पी, पर इसमें एक और साइन है, वो क्या है, इक्वल्स टू भी है, के इज़ लेस देन इक्वल्स टू पी है, और दूसरे में दिया है के इज़ इक्वल्स टू पी। इसका मतलब ये दोनों साइन करेक्ट है, क्योंकि आंसर क्या है, के इज़ लेस देन इक्वल्स टू पी। अब जब भी हम लोग लेस देन इक्वल्स टू लिखते हैं, इसका मतलब ही वही होता है, या तो वो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा। क्या होगा, या तो वो लेस देन होगा या तो इक्वल होगा, तो इसमें ये दोनों ही दिया है, तो हम लोग, हमारा आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन के लिए, आइदर और, आइदर और,
ये हो क्या आएगा हमारा आंसर, या तो पहला आएगा या तो दूसरा आएगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे. क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू का मतलब ही वही होता है, या तो पहला आएगा या तो दूसरा आएगा. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट. ये दिया है हमें डी इज लेस देन ई इज लेस देन एफ, ये जी आएगा, और एफ जो है एफ का रिलेशन दिया है हमें के से. ठीक है, के और जी का पूछा है, चेक करते हैं. मान लेते हैं कि इधर एफ से बड़ा जी है, मैंने इधर लिख दिया आसानी के लिए. तो जी बड़ा है, वापस से देखो अपोजिट साइन आ गया, तो बोलेंगे कि ये गलत है भैया, अपोजिट साइन नहीं चलेगा. अगर आप सामने सामने झगड़ रहे हो तो कैसे चलेगा. ठीक है, अब देखते हैं के और डी का. तो के और डी का अगर हम लोग बात करें तो जो कि एफ जो है वो इधर आएगा, मान लो ये जी नहीं है बीच में, तो इधर क्या आएगा, के आएगा. तो अब के और डी का चेक करो, फ्लो क्या जा रहा है, सेम फ्लो जा रहा है, इसी तरफ जा रहा है. तो इसका मतलब जो के है वो बड़ा है डी से, तो ओनली टू फॉलो, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा इसमें, करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से हमें सारे सवाल सॉल्व करने होते हैं, वेदर इट इज़ इनइक्वालिटी या कुछ भी हो, हमें इस तरह से सॉल्व करना है. अरे बाप रे, इधर तक आपको दिख नहीं रहा था, चलो मैं वापस से वो सारे सवाल कर देती हूँ ताकि आपको दिख जाए. चलो ये तो दिख रहा है, नेक्स्ट वाला सवाल ये है, आई होप ये भी दिख रहा है. ठीक है, चलो ठीक है, क्लियर. तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एक और पजल देखेंगे, तो वो हम लोग देखेंगे कि पजल कैसे सॉल्व करनी है और क्या करना है. तो जैसे कि हमने अब तक देखा कि हमने पढ़ा कि ये स्टेटमेंट कंक्लूजन वाला पढ़ा, हमने एक पजल भी देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नाउ अभी आप लोग का सवाल होगा क्वेश्चंस कहाँ पे है, क्वेश्चंस है पीछे की स्लाइड में ही क्वेश्चंस है. ठीक है, चलो तो फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट बोला है सेवन पर्संस ए बी सी डी ई एफ एंड जी, सात लोग बोले ए बी सी डी ई एफ जी. तो वर बॉर्न ऑन डिफरेंट मंथ्स लाइक जनवरी फेब्रुवरी मार्च अप्रैल जून अगस्त अक्टूबर ऑफ द सेम ईयर. भाई ये इम्पॉर्टेंट है, ऑफ द सेम ईयर. ठीक है, तो क्या बोला है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर. पर जो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जनवरी में ए का बर्थ हुआ होगा, बी का बर्थ फेब्रुवरी में, ऐसा ज़रूरी नहीं है. नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़े तो ये बोला है कि ओनली 3 पर्सन वेर बॉर्न बिफोर ई एंड डी इज नॉट वन ऑफ देम. तो सबसे पहले हम लोग इसमें करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे करनी है. तो हमें ये पता है कि ए बी सी डी ई एफ जी का जो रैंक है वो कुछ भी हो सकता है, ए ऊपर हो सकता है, बी नीचे हो सकता है, फिर जी ऊपर हो सकता है, एफ नीचे हो सकता है. तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो हमें ये पता है कि ये जो मंथ्स है वो तो जनवरी पहले आएगा, फेब्रुवरी बाद में आएगा, है ना, मंथ्स तो ऐसे ही रहेंगे. तो सबसे पहले हम लोग मंथ्स को लिख देंगे किस तरह से, तो कुछ इस तरह से हम लोग लिख देंगे जनवरी फेब्रुवरी देन मार्च देन दिया है अप्रैल. इसमें मई नहीं दिया है, वो ध्यान से करना कि कौन से मंथ दिए हैं. फिर जून दिया है, अगस्त दिया है, एंड देन अक्टूबर. राइट, 1 2 3 4 5 6 7. चलो फिर बोला है कि ओनली 3 पर्संस वेर बॉर्न बिफोर ई, ई के पहले सिर्फ 3 जने पैदा हुए. क्या बोला है, ओनली 3 पर्संस वेर बॉर्न बिफोर ई. तो ये ध्यान से देखो, ओनली 3 बोला है. ठीक है, ओनली 3 बोला है, उसका मतलब ये हुआ कि ई के पहले 3 लोग का जन्म हुआ है. अभी 3 लोग का जन्म हुआ है तो मतलब वो जनवरी फेब्रुवरी और मार्च में ही जन्मे होंगे, तभी जाके ई अप्रैल में जन्मा होगा. ठीक है, सीधी सी बात है, उसके पहले 3 जने पैदा हुए हैं, बिकॉज ओनली 3 पर्सन वेर बॉर्न बिफोर ई, ई के पहले 3 बंदे का जन्म हुआ है.
एंड डी इज नॉट वन ऑफ देम. अभी ये पढ़ना, पूरा लाइन पढ़ो साथ में. ओनली 3% वेर बॉर्न बिफोर ई एंड डी इज नॉट वन ऑफ देम. इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों में डी आएगा नहीं, इन तीनों में डी नहीं आएगा. ठीक है, इसका मतलब डी जून में हो सकता है, अगस्त या अक्टूबर में हो सकता है. चलो लिख देते, डी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है. अब F was not born immediately after E. क्या बोला है? F was not born immediately after E. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो F जो है वो E से पहले पैदा हुआ है. इसका मतलब ये नहीं हुआ कि F जो है वो E के पहले पैदा हुआ है. इसका मतलब ये हुआ कि F जो है वो इधर पैदा नहीं हुआ, इधर F पैदा नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि immediately बोला है, was not immediately. ठीक है, तो ये F इधर नहीं आएगा. तो F इधर आएगा या फिर नीचे आएगा. ठीक है, तो F के भी दो पोजीशन मिल गई हमें. नेक्स्ट बोला है कि E was born after F. अब ये इम्पॉर्टेंट है. E was born after, सॉरी, B was born after F. इसका मतलब ये बोला है कि F के बाद B का जन्म हुआ है. क्या बोला है? F के बाद B का जन्म हुआ है. मान लो F इधर तो है ही नहीं, F इधर नहीं है, जून में F नहीं है. मान लो अगर मैं जून में, अगस्त में F को नहीं रखती, अगर मैं अक्टूबर में F को रखती हूँ, मान लो मैंने F को अक्टूबर में रख दिया, तो क्या होगा? क्या बोला कि F was, B was born after F. F के बाद B का जन्म हुआ है, तो F के बाद B का जन्म हुआ है तो इसके नीचे तो और कुछ तो दिया नहीं है कि मैं B को रख सकूँ, तो मैं B को नहीं रख सकती. इसका मतलब ये हुआ कि F जो है वो कहाँ पे पैदा हुआ होगा? पक्का जो F है, इधर हमें क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गई कि F अगस्त में पैदा हुआ है और अक्टूबर में B हुआ है. और D की पोजीशन भी मिल गई हमें फिक्स वाली. कौन से मिल गई? एक सेकेंड, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ आप लोगों के लिए. चलो इतने इन्फॉर्मेशन चलेगी. हाँ ठीक है, चलो. तो अब हमें ये बोला है कि ये जो क्लियर हो गया ये कि F जो है वो कहाँ पे होगा, तो अगस्त में होगा, तब भी जाके उसके नीचे B आएगा, क्योंकि B किसके बाद हुआ है? F के बाद पैदा हुआ है. तो इसका मतलब F आएगा फिर B आएगा. तो क्लियर, ये चार पोजीशन तो हमें फिक्स मिल गई. ठीक है, अब बारी है इन तीनों की, देखते हैं इन लोगों के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है. फिर बोला है कि A was born immediately before the month in which G was born. क्या बोला है कि A was born immediately before in which G was born. इसका मतलब G के तुरंत पहले कौन जन्मा है? A जन्मा है. तो इसका मतलब ये हुआ G के तुरंत पहले A जन्मा है. तो हमें एक इन्फॉर्मेशन इधर ये मिली कि A ऊपर आएगा, G नीचे आएगा, पर हमें ये नहीं पता कि A जनवरी में है या A फरवरी में है. A के लिए दो पोजीशन बन सकती है. कैसे? A जनवरी में भी आ सकता है, A फरवरी में भी आ सकता है. अगर A जनवरी में है तो G कहाँ पे आएगा? फरवरी में. अगर A फरवरी में है तो G कहाँ पे आएगा? मार्च में. ठीक है, तो इसीलिए फ़िलहाल हमें पता नहीं है, तो इसीलिए हम लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन इसके रिलेटेड नहीं लिख सकते. सिर्फ इतना लिख दिया कि ये पक्का है कि A के बाद G आएगा. ठीक है, यूज़ किया उन्होंने इमीडिएटली इसीलिए. फिर बोला है ओनली 2% वेर बॉर्न बिटवीन G एंड F. क्या बोला है? G और F के बीच में दो जने पैदा हुए. अभी F इधर है, ये तो F को भूल ही जाओ क्योंकि वो क्रॉस किया हुआ है, गलती से इसको कंसीडर मत कर देना. क्या बोला है कि F was born, सॉरी, देर आर 2% बिटवीन G एंड F. तो अब F इधर है तो ये 2% हो गए, तो इधर G आएगा. अब आप लोग बोलोगे नीचे भी आ सकता है, पर नीचे अगर F के नीचे तो एक ही पर्सन है, फिर तो कोई है ही नहीं, तो ऊपर की तरफ ही आएगा. ठीक है, मान लो F इधर कहीं बीच में होता तो हमें डाउट होता, पर ये तो कोई जगह ही नहीं बची. तो F के बीच में D आ गया और E आ गया, उसके बाद कौन है? G आ गया. अब G आ गया तो हमें पक्का पता है कि G के तुरंत ऊपर कौन है? A है, तो A को रख देंगे हम. बचा कौन?
ए आ गया, बी आ गया, सी नहीं आया, तो सी कहाँ पे आएगा? जनवरी में. तो हमारा फाइनल वाला कौन सा आया? अगर हम लोग देखें तो फाइनल आंसर कैसे आएगा, तो मैं लिख देती हूँ फाइनल आंसर आप लोगों के लिए, कि फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आएगा. सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आएगा जी, फिर ई, फिर डी, फिर एफ, फिर बी. और मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपका आंसर भी यही आ रहा था. ठीक है, फरवरी, मार्च, और इधर अप्रैल है, और इधर है जून, इधर अगस्त, और इधर अक्टूबर. ये मैंने सिंपल वे में लिख दिया है. ठीक है, अब क्वेश्चन पूरा आपके सामने रख रही हूँ. चलो, तो ये हमें फाइनल मिल गया कि सी ए जी ई डी एफ बी. क्लियर? तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर. अब क्वेश्चन देखते हैं, पर इससे पहले हम एक चीज़ क्या नोटिस करनी है. तो सबसे पहले नोटिस करना है इमीडिएटली और इमीडिएटली नहीं दिया है तो. मान लो अगर आपको ऐसा बोला है, मान लो अगर आपको ऐसा बोला है कि जी जो है वो पैदा हुआ है आफ्टर, या फिर ऐसा बोल दो कि ए जो है वो पैदा हुआ है जी के बाद. तो जी के बाद यानी कि पता चल गया कि जी ऊपर होगा कहीं पे, पर ये नहीं पता कहाँ पे होगा. पर अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इधर कितने भी बीच में कितने भी इंसान आ सकते हैं, इनफाइनाइट इंसान भी आ सकते हैं. क्यों? क्योंकि हमें तो नहीं पता. तो अगर ऐसा बोला है कि जी और ए इमीडिएटली बोला है, इमीडिएटली बोला है, तब क्या आएगा? जी और ए के बीच में कोई भी बंदा नहीं आएगा. क्लियर? वो इमीडिएटली वर्ड जो है वो बहुत दिक्कत कर सकता है हमें, तो वो ध्यान में रखना है. ठीक है, अभी हम लोग सवाल देखते हैं. सवाल नंबर एक क्या है? तो हाउ मैनी पर्सन्स वेर बॉर्न बिटवीन सी एंड ई. सी और ई के बीच में कितने पर्सन पैदा हुए? चलो, इधर ये रहा सी और ये रहा ई, तो दिख रहा है क्लियरली दो बंदे पैदा हुए. ठीक है, मैं थोड़ा सवाल आपके लिए कट कर रही हूँ इस तरह से. ठीक है, चलो अब आपको मज़ा आएगा. अगर आपको वर्टिकली देखना है तो वर्टिकली भी आप देख सकते हो कि ये क्या है, सी और ई के बीच में दो बंदे हैं, ए एंड जी, तो आंसर क्या आएगा? दो आएगा. चलो चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में है. तो आंसर टू, ऑप्शन बी. ठीक है, आई होप कि क्वेश्चंस, हाँ चलो क्वेश्चन अब देखेंगे क्लियर. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट सवाल है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट. इन सब में से ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट का मतलब जो सबसे पहले पैदा हुआ हो. अगर मेरे दादाजी है, फिर मेरे पापा, फिर मेरा भाई, तो सबसे पहले कौन ओल्डेस्ट कौन होगा? दादाजी. ठीक है, और हमें क्लियरली याद है कि सी क्या था? ऊपर था, सबसे ऊपर, सॉरी, हाँ सी सबसे ऊपर है. जनवरी में सी का जन्म हुआ था, तो आंसर क्या आएगा? सी. ठीक है, अगर हम लोग बात करें, हु अमंग्स द फॉलोइंग वॉज बॉर्न बिटवीन द मंथ इन विच ए एंड डी वर बॉर्न. क्या बोला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वॉज बॉर्न बिटवीन द मंथ इन विच ए एंड डी वर बॉर्न. चलो चेक करते ए और डी के बीच में कौन है भाई. चलो, तो ए इधर है, सॉरी, ए इधर है और डी इधर है, तो इन दोनों के बीच में दो आएंगे, जी और ई. क्लियरली दिख रहा है. अगर आपका जो पजल है वो करेक्ट है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन के आंसर देने में. बहुत जल्दी आप आंसर कर दोगे, ऊपर से विद इन सेकेंड्स आप आंसर कर सकते हो. तो इसका आंसर क्या आएगा? बोथ ई एंड जी, क्योंकि ई एंड जी दोनों थे, सिर्फ एक नहीं था. इसीलिए कभी भी ई अकेले को या जी अकेले को टिक नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को टिक मार्क करना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट सवाल मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ आपके लिए. चलो, नेक्स्ट सवाल है, हाउ मैनी पर्सन्स वेर बॉर्न आफ्टर डी. डी के बाद कितने लोग पैदा हुए? चलो चेक करते हैं. डी ये रहा, तो डी के बाद दो जने पैदा हुए, एफ एंड बी, तो आंसर क्या आएगा? दो आंसर आएगा हमारा. ठीक है, और वो ऑप्शन डी है. नेक्स्ट सवाल है, हु अमंग्स द फॉलोइंग इज द पर्सन हु वॉज बॉर्न इन द मंथ विच हैज लेस देन 30 डेज. 30 से कम दिन किस में होते? तो ये तो मतलब बहुत बढ़िया सवाल है अगर हम लोग बात करें तो, कि
कि 30 से कम दिन किस में होते हैं? सिर्फ 12 महीनों में से सिर्फ एक ही महीना ऐसा होता है जो कि होता है फरवरी, उसमें ही 30 से कम दिन होते हैं, बाकी सारे महीने में 30 से ज़्यादा दिन होते हैं। तो फरवरी में ए का जन्म हुआ है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, और ऑप्शन ई एंड आंसर विल बी ए। क्लियर? तो ये था हमारा पजल और उसके रिगार्डिंग हमने 5 सवाल देखे। तो इस टाइप के पजल एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ये आपकी प्री एग्ज़ाम के सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल क्या है? तो नेक्स्ट सवाल ये है कि ये इसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग ध्यान से पढ़ना, हर एग्ज़ाम में आता ही आता है, ठीक है? तो ध्यान से पढ़ना कोडिंग डिकोडिंग को। चलो मैं आपके लिए सवाल ऊपर कर दूंगी, डोंट वरी। फर्स्ट सवाल है, स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। तो उसमें बोला है कि इन सर्टेन कोड लैंग्वेज, अभी ये कोडिंग डिकोडिंग होता है क्या, तो हम सबको पता है कि हम लोग कुछ कोडिंग रखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको ऑल द बेस्ट बोलना है तो हम लोग ऐसे करते हैं, तो इसका मतलब क्या, ऑल द बेस्ट या फिर आई एम वेल। तो उसी तरह से कोडिंग डिकोडिंग है कि फर्स्ट दिया है कार्ड विन टीम टाइम, इसको बोला है ला ता जा सा, कुछ भी दिया होता है, मतलब कोड, कोई भी कोड दिया होता है तो हमें वो उसको फाइंड करना होता है। तो इसमें करेंगे कैसे, क्या सबसे पहले इसको फाइंड कर दे? नहीं, उसमें टाइम जाएगा। करना क्या है, सवाल पढ़ो, सवाल क्या दिया उसके ऊपर से फटाफट से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करने गए पहले फिर आपने किया तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट होगा आई थिंक। तो उससे बेटर है कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उससे आंसर करेंगे। व्हाट इज़ द कोड फॉर टाइम, टाइम के लिए कोड क्या है? तो अभी सबसे पहले चेक करो कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या दिया है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिया है कार्ड विन टीम टाइम, ठीक है, उसका है। तो इधर हमें क्या दिख रहा है, टाइम दिख रहा है। चलो और कहीं पर टाइम दिख रहा है तो, और इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर भी नहीं है, इन विन टीम फाइट, तो और तीनों में से और कहीं पे भी टाइम नहीं दिया है। इसका मतलब ऐसा कौन सा इसमें से लेटर है जो तीनों में नहीं है, सॉरी बाकी के दो में नहीं है, ठीक है, पहले में तो हो गए। तो ये आप देख सकते हो एल ए, तो एल ए इधर दिया है, मतलब एल ए टाइम का नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें टी ए, तो टी ए अगर देखो तो टी ए भी इधर दिया है, नहीं होगा। जे ए, तो जे ए भी दिया है, नहीं होगा। एस ए, तो बचा वही ऐसे, तो ऐसे क्या होगा, देखो आप एस ए जो है वो इधर कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देगा, ऐसे कहीं पे है नहीं है। इसका मतलब टाइम का कोड क्या होगा, सिंपल एस ए, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, कार्ड फाइट इज इन, कार्ड फाइट इन कैन बी कोडेड एस, तो हमें देखना है कार्ड, सबसे पहले कार्ड पहले में दिया है तो हम लोग इसको टिक कर देते हैं। थोड़े अलग ऑप्शन से करेंगे, अलग सिंबल्स से करेंगे। दूसरे में भी कार्ड दिया है, ठीक है चलो, तीसरे में नहीं दिया, तो पहले और दूसरे में कौन सा है जो कॉमन है? तो पहले और दूसरे में जे ए जो है वो कॉमन है, और कोई कॉमन दिख रहा है? टी ए नहीं है, एल ए नहीं है, ठीक है। तो हमें दोनों में से कॉमन सिर्फ एक ही दिख रहा है जो है जे ए, तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा कि कार्ड के लिए जे ए है, फिर फाइट, तो चेक करते हैं, फाइट पहले में नहीं है, कार्ड विन टीम टाइम, फिर है फाइट गेम प्ले कार्ड, तो फाइट दूसरे में है, तीसरे में भी फाइट दिख रहा है हमें, इधर भी फाइट है और इधर भी फाइट है। तो पहले दूसरे और तीसरे में देखो कौन सा वर्ड कॉमन है, अभी जे तो चला गया, बचा कौन सा, तो बचा ये वाला, इधर ऐसे चला गया है, बचा पी ए, तो पी ए इसमें है नहीं है, आर ए, तो आर ए इसमें है नहीं है, डी ए, तो डी ए इसमें है। इसका मतलब ये हुआ कि फाइट का क्या होगा, डी ए, फाइट का क्या होगा, डी ए। इस तरह से इस टाइप के सवाल को हमें सॉल्व करना है कि जल्दी से जल्दी हम लोग आंसर कर पाए। अगर आपको पेन का इस्तेमाल नहीं करना, फिर भी अगर आप कर पा रहे हो विच इज़ वेरी गुड, तो वैसे ही करना, ठीक है। नेक्स्ट है इन, अभी इन बाकी है, तो इन इसमें आप देख सकते हो कि सिर्फ लास्ट में है, तो सिर्फ लास्ट में हो वैसा कौन सा है, एल ए तो पहले में है, अगर बात करें टी ए, तो टी ए भी पहले और तीसरे में दिया हुआ है, तो जो एफ ए बचा वो क्या है, जो किसी में भी नहीं है, ठीक है, तो वो होगा हमारे इन का।
अभी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें इसी सीक्वेंस में दिया हो, GJADAFA सीक्वेंस में दिया हो, वैसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ ये तीन अक्षर जो है, तीन शब्द जो है वो आने ज़रूरी है। इसका मतलब कि तीन जहाँ पे दिखे, वेदर द सीक्वेंस इज JADAFA और इट इज़ DAFA JA और वट एवर इट इज़, दे मस्ट बी देयर, वो आंसर में होना चाहिए। चलो पहला वाला चेक करते हैं, पहले वाले में ऐसे है तो ऐसे तो है ही नहीं भैया, चलो ये तो कैंसिल। सेकेंड वाला देखते हैं, एफ ए तो हाँ एफ ए है, जे ए तो हाँ जे ए है, डी ए तो डी ए है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑप्शन बी विल बी आर करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करके ही हमें सारे आंसर्स निकालने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कर रही हूँ आपके सामने, चलो तो ये वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज़ द कोड फॉर गेम, गेम के लिए कोड क्या है। तो चेक करते हैं, गेम जो है वो पहले में है कार्ड विन टिम टाइम, नहीं है। दूसरे में फाइट गेम प्ले कार्ड, हाँ दूसरे में गेम है। तीसरे में क्या है, इन विन टिम फाइट, तो नहीं है। तो सिर्फ दूसरे में है वैसा कौन सा है, तो दो तो चले गए ऑलरेडी, जे ए और डी ए जो है वो ऑलरेडी रिजर्व हो चुके हैं, तो इसका मतलब हम इन दोनों को इस्तेमाल नहीं कर सकते, इन दोनों के अलावा ही कोई और होगा। तो गेम का देखो, पी ए तो पी ए कहीं पे कॉमन है, नहीं है। अगर चेक करें आर ए तो आर ए कहीं पे है, आर ए कहीं पे दिख रहा है आपको, तो आर ए कहीं पे नहीं दिख रहा। इसका मतलब पी ए और आर ए दो ऐसे वर्ड्स है, पी ए और आर ए दो ऐसे वर्ड्स है जिनका हमें पता नहीं है कि गेम किसका होगा। और आप देखो, और एक वर्ड दिया है प्ले, प्ले और कहीं पे भी नहीं है। इसका मतलब गेम और प्ले में दो ऑप्शन है, गेम और प्ले दोनों में से कोई भी पूछे आपको तो हम क्या कहेंगे कि हम लोग बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि दोनों में अगर आप देखो तो पी ए जो है वो गेम का भी हो सकता है, आर ए जो है वो गेम का भी हो सकता है। तो जब तक हम श्योर नहीं हैं तब तक हम लोग उसको कुछ बोल नहीं सकते, या तो पी ए होगा या तो आर ए होगा। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आएगा, इधर आर ए और पी ए, क्या होगा, इधर आर ए, तो इसका आंसर आएगा हमारा आइधर में, आइधर पी ए और आर ए, यानी कि ये होगा या तो फिर ये होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज, विच ऑफ द फॉलोइंग कोड इज द कोड फॉर इन, इन के लिए कौन सा कोड है। चलो चेक करते हैं, इन के लिए हम लोग बात करें तो इन जो है सिर्फ लास्ट लाइन में है, और कहीं पे इन हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो इनके लिए लास्ट लाइन में क्या बचा, एल ए बचा और टी ए बचा। तो क्लियरली दिख रहा है एल ए जो है, क्या दिख रहा है, एल ए जो है वो ऊपर भी दिया है, इसका मतलब तो एल ए तो कहीं और किसी और का हो रहा होगा। विन विन दिख रहा है, विन और विन का एल ए, तो हम लोग लिख देते हैं कि विन का एल ए है। तो बचा क्या, तो बचा सिर्फ एक जो कि है टी ए, क्या है टी ए, तो इसीलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन ए जो कि है टी ए। नेक्स्ट सवाल मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, अगर आपको नहीं पढ़ाई आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप लिख लो आपकी नोटबुक में। इफ गेम इन रिस्क इज कोडेड एज पी ए एफ ए एक्स ए, देन वॉट विल बी द कोड फॉर रिस्क। चलो मैं ऊपर लिख देती हूँ, अच्छा सवाल है, मैं ऊपर लिख देती हूँ, इधर कहीं पे थोड़ा इरेज कर दूँ क्वेश्चन, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, आपको लिखना, लिख लो आप लोग। इफ गेम इन रिस्क, गेम जी ए एम ई आई एन आर आई एस के, गेम इन रिस्क इज कोडेड एज पी ए एफ ए एक्स ए, देन वॉट विल बी द कोड फॉर रिस्क कार्ड फाइट। ठीक है, चलो ये भी इरेज कर देते हो, आपको पता चल गया अब। चलो अब हमें दिया है, ये भी हटा ही देती हूँ, अब हमें दिया है कि गेम इन रिस्क का कोड है पी ए एफ ए एक्स ए, तो रिस्क का कोड क्या होगा, ये हमारा सवाल है।
तो सबसे पहले तो हमें ये ढूंढना है, चलो मैं, हाँ अब ठीक है, कि गेम का कोड हमें क्लियरली दिख रहा है कि रिस्क जो है वो इन तीनों में से कहीं पे नहीं दिया था, पर गेम और इन कहीं पे दिया था। तो गेम और इनका कोड हमें इसमें से मिल जाएगा, तो इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं इससे। तो जो कोड बचेगा वो किसका होगा? रिस्क का। और अगर आपने अच्छे से ये सवाल किए हैं, बाकी के चार सवाल, तो आपको क्लियरली दिख जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मुझे कमेंट में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एक्स ए। एक्स ए जो है वो रिस्क का करेक्ट आंसर होगा। हमें कोड किसका ढूंढना है? रिस्क। कोड इसका ढूंढना है हमें, रिस्क कार्ड फाइट। तो कार्ड फाइट तो हमें सॉरी, कार्ड फाइट तो हमारे पास है ही। कैसे? देखो, फाइट का इधर है, कार्ड का इधर है, तो फाइट और फाइट के लिए हमने क्या किया था? फाइट और फाइट के लिए अगर सेकेंड और थर्ड में हमने देखे, तो डीए जो है वो हमारा किसके लिए था? फाइट के लिए था, ठीक है। डीए जो है वो फाइट के लिए था। तो अब डीए अगर फाइट के लिए है तो वो हमने लिख दिया। कार्ड के लिए क्या है? फर्स्ट और सेकेंड में देखो, कार्ड के लिए हमने रखा है कि जे ए जो है वो कार्ड के लिए है, दोनों में कॉमन जे ए है, तो कार्ड के लिए हमने क्या किया था? जे ए। अगर हम लोग बात करें रिस्क, तो रिस्क का कहाँ से मिलेगा? तो रिस्क का हमें कहाँ से मिलेगा? तो रिस्क का हमें मिलेगा इससे। तो गेम इन जो है, हमें क्लियरली पता है कि पीए जो है वो इधर कहीं पे दिया हुआ था, तो पीए इधर दिया हुआ है, और एफए जो है वो भी इधर दिया हुआ है। तो बचा कौन? रिस्क, जो इस साइड पे भी, यानी कि लेफ्ट साइड पे भी नहीं था, तो राइट साइड पे भी नहीं होगा। तो एक्से जो होगा वो किसका कोड होगा? रिस्क का। तो हमें आंसर क्या मिला? रिस्क कार्ड फाइट का एक्स ए जे ए डी ए। अब मैं आपके लिए ऑप्शंस कर देती हूँ विजिबल। चलो अब मुझे बताओ कि इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, जो हमारा रिस्क कार्ड फाइट के लिए होगा। देखो, तो जे ए ऐसे ऐसे तो है ही नहीं भाई, चलो कैंसिल। सेकेंड है जे ए डी ए आर ए, जे ए डी ए, जे ए है डी ए है पर आर ए नहीं है। थर्ड है ऐसे डी ए एफ ए, तो ऐसे तो है ही नहीं, चलो भैया तू भी कैंसिल। नेक्स्ट है जे ए सॉरी एक्स ए जे ए डी ए। नेक्स्ट क्या है? एक्स ए जे ए डी ए, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। चलो, तो अगर हम लोग देखें तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्स ए जे ए एन डी ए। क्लियर? कोडिंग डिकोडिंग फिर से बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, और ये एग्जाम्पल एग्जाम का एक पेपर है, तो आप देख सकते हो कि कोडिंग डिकोडिंग तो आता ही है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने, जैसे कि आप देख सकते हो, एक पजल है, एंड दैट इज सेइंग कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। बोला क्या है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग, अबे टू पैरेलल रोज का मतलब वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो हमें क्लियरली नहीं पता कि वो ईस्ट वेस्ट फेस कर रहे हैं या फिर वो साउथ नॉर्थ साउथ फेस कर रहे हैं। चलो, तो सवाल ये है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो स्टार्ट, पहला है कि 12 पीपल आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज कंटेनिंग 6 पीपल ईच। इसका मतलब ये हुआ कि एक लाइन में 6 जने हो गए और दूसरी लाइन में भी 6 जने हो गए, क्योंकि 12 जने हैं तो 6 6 डिवाइड हो गए। इन ईच वे, इन सच अ वे दैट देर इज एन इक्वल डिस्टेंस, इन सच अ वे दैट देर इज एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजस्टेंट पर्सन इन रो वन। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वल डिस्टेंस है, एक जो सामने सामने बैठे हैं उन दोनों के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। रो वन में कौन है? पी क्यू आर एस टी वी।
तो रो वन का डेटा दिया है जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फिर बोला है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ. अब हमें पता चल रहा है कि रो इस तरह से होगी. ठीक है, चलो मेरी लाइन क्लियर आ नहीं रही है. चलो ठीक है, आप समझ लेना. तो ये दो सॉरी फेसिंग साउथ, साउथ फेसिंग इसका मतलब इस तरफ है वो देख रहा है. तो जब फेसिंग साउथ होता है तो ये लेफ्ट होता है और ये राइट होता है. तो क्लियरली ये पैरेलल बोला है, तो ऐसे तो नहीं होगा कि एक लाइन इस तरह है दूसरी इस तरह होगी, क्योंकि पैरेलल बोला है यानी कि सामने सामने होगी. तो ये क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा. ठीक है, फिर बोला है इसका मतलब रो वन में कौन कौन से है. तो हम लोग ऊपर लिख देते हैं इन्फॉर्मेशन थोड़ी, पी क्यू आर एस टी एंड वी. रो टू में बोला है ए बी सी डी ई एंड एफ. ठीक है, फिर बोला है कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ. चलो ये नॉर्थ फेस कर रहे हैं. फिर देयरफॉर इन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट ईच मेंबर सीटेड इन अ रो फेसेस अनदर ऑफ द अनदर मेंबर ऑफ द अदर रो. अब बोला है कि जो ये जो बैठे हैं, क्योंकि पैरेलल बैठे हैं, एक के सामने एक रो है, तो क्या होगा, जो पहली लाइन का जो पहला बंदा है उसके एग्जैक्ट सामने दूसरी लाइन का दूसरा बंदा होगा. इसका मतलब ये हुआ कि वो दोनों कैसे बैठे, सामने सामने बैठे. तो हम लोग ड्रॉ कर देते हैं कि इधर एक बैठा है तो इसके सामने एक बैठा होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा. चलो उसी तरह से एक दो तीन चार पाँच छः, क्लियर. अब मैं पहले वाली ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है, सॉरी ये जो ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है वो मैं थोड़ी हटा रही हूँ ताकि हमें स्पेस मिले. और उसमें अभी कुछ खास इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, हमने सब कुछ जितना भी दिया था वो पढ़ लिया. ठीक है, तो अब जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे लिए वो ये है. चलो रीड करते हैं. एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू. क्या बोला है कि एस कहाँ पे बैठा है, राइट ऑफ क्यू. इसका मतलब क्यू जो है वो कहाँ पे होगा, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में. क्योंकि वो एस और क्यू कौन सी रो में है, रो वन में है. इसको हम लोग देखते थे रो वन और रो टू. जो साउथ फेस कर रही है वो रो वन है, तो एस और क्यू इस तरह से है. तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू के राइट में, इधर क्या बोला है कि एस सिट्स थर्ड टू द राइट, तो ये सेकेंड और ये थर्ड, इधर एस आएगा, ये दो है बीच में. ठीक है, पर हमें ये नहीं पता कि वो कहाँ पे बैठे. ऐसा भी हो सकता है वो एक्सट्रीम एंड पे हो, एक्सट्रीम एंड पे ना भी हो. आगे पढ़ते हैं, पर इतना इन्फॉर्मेशन क्लियर है कि एस और क्यू के बीच में दो बंदे हैं और क्यू के राइट में कौन है, एस है. नेक्स्ट बोला है कि जब भी आप इस टाइप के सवाल सॉल्व करते हो ना फ्रेंड्स, तब एक चीज़ ध्यान में रखना कि कहाँ पे फेस कर रहा है, साउथ में फेस कर रहा है, नॉर्थ में फेस कर रहा है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग अज्यूम कर लेते हो कि सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं तो आंसर बहुत गलत आ जाएगा. ठीक है, तो इसीलिए राइट लेफ्ट आपको पता होना ज़रूरी है. तो बोला है कि ईदर एस और क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन. या तो एस या तो क्यू, दोनों में से एक एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, या तो एस इधर है या तो एस इधर है, एक तो बंदा एस या फिर क्यू में से एंड पे बैठा है. मान लो अगर मैं क्यू को इधर रखती हूँ तो एस कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे है. एस को हम इधर रख नहीं सकते. क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि उसके वो कहाँ पे है, क्यू सॉरी वो कहाँ पे है, क्यू के राइट में है. तो अगर मैं इसको इधर एंड पे रख देती हूँ तो क्यू के राइट में तो होने की संभावना ही नहीं है. इसका मतलब एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और एस इधर हो सकता है और क्यू कहाँ पे हो सकता है, इधर हो सकता है, क्योंकि ये पोजीशन करेक्ट दिखा रही है. क्यू के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में क्या है, एस है. दो केसेस बने, मैंने एक केस ऊपर रखा, दूसरा केस नीचे रखा. नेक्स्ट पढ़ते हैं, द वन हु फेसेस क्यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ई.
जो Q को फेस कर रहा है वो कहाँ है, सेकेंड टू द राइट ऑफ E, E के सेकेंड राइट में। मान लो Q इधर है तो E के सेकेंड राइट में, E इधर होगा तो फर्स्ट सेकेंड राइट में ये जो Q को फेस कर रहा होगा वो होगा। अभी आपको डाउट होगा कि ऐसे कैसे लिख दिया, मैंने अज्यूम किया है केस वन के लिए कि Q इधर है, तो Q के सामने जो बंदा है, ये जो बंदा होगा वो कौन है, तो E के सेकेंड राइट में है। इसका मतलब इसके सेकेंड लेफ्ट पे कौन होगा, इसके सेकेंड लेफ्ट में कौन होगा, E होगा। कौन होगा, E होगा, इसीलिए ये पोजीशन रखी मैंने। अब अगर हम लोग बात करें कि ये तो हमने केस वन की बात की, व्हाट अबाउट केस टू। अगर हम लोग केस टू की बात करें तो क्यों इधर है, तो क्यों इधर है तो हम लोग क्या कर सकते कि E को इधर रख सकते, क्योंकि उसके क्या बोला है कि Q सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ E, सॉरी ये क्या बोला है, सेकेंड टू द राइट ऑफ E, तो इसका मतलब ये हुआ कि E जो होगा वो इधर नहीं आएगा, सॉरी गाइस, E जो है वो इधर नहीं आएगा। कहाँ पे आएगा, मैंने समझ लिया दो की गैप है, E इधर आएगा क्योंकि फर्स्ट इधर है तो उसके फर्स्ट लेफ्ट में और इधर सेकेंड लेफ्ट में, सही था, चलो ठीक है। क्या बोला है कि उसके सेकेंड लेफ्ट में, ठीक है। और अगर मान लो Q इधर है तो E इधर आएगा, Q इधर है तो उसका ये पड़ोसी और उसका फर्स्ट और सेकेंड, E कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, क्लियर। अब हम लोग ये केस वन जो है वो इधर रख रहे हैं, केस टू बाहर रख रहे हैं। नेक्स्ट चेक करते हैं कि टू पर्सन सिट बिटवीन B एंड F, B और F के बीच में दो बंदे बैठे हैं। हमें नहीं पता B कहाँ पे है, F कहाँ पे है, हमें सिर्फ इतना पता है कि B और F के बीच में दो बंदे बैठे हैं, जो मैंने इधर रख दिया, ठीक है। एस ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है तो हमको, हमें उसको इस तरह से लिख देना है। नेक्स्ट बोला है नीदर B नॉर F सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, इसका मतलब B और F इधर नहीं बैठते। B और F, मैं थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, हाँ चलो, B और F जो है वो इधर नहीं बैठते। इसको इरेज कर देते, इसकी ज़रूरत नहीं है फिलहाल, ठीक है। B और F ना ही इधर बैठेंगे और ना ही इधर बैठेंगे, क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठते, नीदर B नॉर F सिट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। नेक्स्ट बोला है द इमीजिएट नेबर ऑफ B फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ P। फिर बोला है R एंड T आर इमीजिएट नेबर ऑफ ईच अदर, इसका मतलब R एंड T इमीजिएट आएंगे। चलो ये वाली इन्फॉर्मेशन अभी फिलहाल फिक्स हो चुकी है तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। क्या बोला है, R और T इमीजिएट नेबर है। फिर बोला है कि C सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ A, T डज नॉट फेस द इमीजिएट नेबर ऑफ D। अब हमें इसमें से कुछ भी पक्का इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इतना पक्का हो चुका केस वन और केस टू बन चुका, पर इसमें फर्दर इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही, तो क्या करेंगे, ट्राई एंड एरर। कैसे, B यहाँ पे नहीं हो सकता, B यहाँ पे नहीं हो सकता, तो B इधर हो सकता है, तो फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग B को इधर रख दो। फिर एक दो को छोड़ के F, तो F तो इधर नहीं आएगा भैया, तो मतलब B को हम लोग इधर नहीं रख सकते। अगर B को इधर नहीं रख सकते तो F को भी इधर नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि F को इधर रखा मैंने तो एक दो छोड़ के B इधर आएगा, जो तो कंडीशन में दिया है कि B तो उधर एक्सट्रीम एंड पे, B या F तो नहीं है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि ये E जो है इधर कहीं पे भी आ सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम इधर क्यों नहीं आ सकता, मान लो इधर मैंने D E की जगह B रख दिया, तो दो छोड़ के तो इधर कुछ नहीं है, अगर दो छोड़ा एक और दो तो F इधर आएगा और F तो एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, समझो मेरी बात, वापस से रिपीट कर रही हूँ मैं, चलो वापस से रिपीट कर रही हूँ। केस नंबर वन और टू में से अभी किसी एक को सिलेक्ट करने का मौका आ गया है। कैसे, कि E मान लो इधर है तो E को मैं हटा देती हूँ, मान लेती हूँ कि केस नंबर टू जो है वो करेक्ट जा रहा है, तो इधर B आएगा, तो B को दो छोड़ के F तो इधर कहीं आ नहीं सकता, कोई पोजीशन ही बाकी नहीं है तो F कहाँ आएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात करें क्योंकि हमें नहीं पता कि B और F, F जो है उसके राइट पे B है या F जो है उसके लेफ्ट पे B है, सिर्फ इतना पता है कि B और F के बीच में दो का गैप है। अब B इधर है
तो दो ये एक और ये दो छोड़ के f इधर आएगा, पर f तो भैया इधर आ नहीं सकता, तो इसका मतलब b को हम लोग इधर नहीं रख सकते। अगर b को उधर नहीं रख सकते तो e ही उधर आएगा, वो पक्का हो गया। e कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, वो पक्का हो गया। तो इधर भी e नहीं आएगा, इसका मतलब से केस नंबर टू जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें सिर्फ बात करनी है केस नंबर वन की, तो मैं इधर से q को हटा देती हूँ। चलो अब हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे केस नंबर वन पे। अब इसका मतलब b इधर आएगा और दो छोड़ के f इधर आएगा, वो भी पक्का नहीं है। इधर b भी आ सकता है, इधर f भी आ सकता है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें दी थी कि द इमीजिएट नेबर ऑफ b फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p। p के थर्ड लेफ्ट में जो बंदा बैठा है, b का जो नेबर है, इमीजिएट नेबर, मान लो b इधर है। चलो मान लेते हैं b जो है वो इधर है, पहले ये वाला केस मान लेते और दूसरा वाला केस इधर रख देते नीचे वाली साइड। अभी माना कि मैंने b इधर है, तो उसका इमीजिएट नेबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर ये जो है, चलो ये वाला कंसीडर करते हैं पहले। क्या बोला है कि द इमीजिएट नेबर ऑफ b फेसेस द पर्सन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p। p के थर्ड लेफ्ट में मान लो p इधर है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, समझो मेरी बात। मैंने अज्यूम किया p इधर है क्योंकि उसके लेफ्ट में ये साउथ फेस कर रहा है, तो लेफ्ट इस साइड पे आएगा। तो इसके लेफ्ट में ये जो है वो क्या है, l इधर है, तो ये किधर, p इधर आया। तो अब अगर p इधर आया तो इसके फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो इधर तो e है जो कि b का इमीजिएट नेबर नहीं है। मान लो p इधर है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वो तो आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हुआ कि p और b की, p ये b और f जो है ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है। चेक करते हैं सेकेंड वाली कंडीशन कौन सी, कि f इधर हो और b इधर हो। चलो तो ये रहा b, उसका इमीडिएट नेबर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब मान लो कि p जो है वो इधर है, तो एक दो तीन p इधर है, ठीक है। तो b का इमीडिएट नेबर ये रहा और उसके सामने p से जो थर्ड लेफ्ट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड लेफ्ट, वो आ रहा है, ठीक है। चलो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट बोला है कि द वन फेसिस p लेफ्ट ऑफ p, ठीक है चलो वो हो गया। r एंड t आर इमीजिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर। तो इमीजिएट नेबर r और t को अगर मुझे रखना है तो फर्स्ट रो में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि इधर तो आएगा नहीं, सिर्फ इधर ही आएगा। चलो मैं p को इधर रख देती हूँ नीचे की साइड। तो कहाँ पे आएगा? सिर्फ यही दो पोजीशन है जहाँ पे आ सकता है। तो r इधर आएगा, t इधर आएगा, या फिर t इधर आएगा और r इधर आएगा, पर हमें पक्का नहीं पता। फिर बोला है कि c sits second to the left of a, a के second left में। अब मान लो मैं a को इधर रखती हूँ तो left में तो कुछ नहीं आया, इसका मतलब a इधर नहीं आ सकता। तो क्या आएगा? तो a अगर इधर नहीं आएगा, अगर a इधर नहीं आएगा तो a कहाँ पे आएगा? अगर a इधर रखती हूँ मैं तो उसके sits second to the left, a इधर रखती हूँ तो first और second left, चलो c इधर आ रहा है। अगर a इधर रखती हूँ मैं तो फर्स्ट और सेकेंड, वो तो e है, इसका मतलब a और c की पोजीशन फिक्स हो गई। अब बचा कौन? फर्स्ट सेकेंड रो में कौन बचा? तो a आ गया, b आ गया, c आ गया, d बचा, तो d को इधर रख देते, ठीक है। फिर क्या बोला है? एक और इन्फॉर्मेशन दी है r और t के रिगार्डिंग, बिकॉज वी आर नॉट श्योर कि r इधर होगा या t इधर होगा। इन्फॉर्मेशन क्या दी है? t डज नॉट फेस इमीजिएट नेबर ऑफ d, तो d के इमीजिएट नेबर b है, तो उसको t फेस नहीं कर रहा। तो देखो इधर अगर मान लो मैंने r और t रख दिया होता तो वो गलत हो जाता। r और t अगर मैंने रख दिया होता ऐसे ही तो वो गलत हो जाता, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि t डज नॉट फेस द इमीजिएट नेबर ऑफ d, t डज नॉट फेस द इमीजिएट नेबर ऑफ d, दैट मीन्स ये d का जो इमीजिएट नेबर है वो b है। t इधर नहीं आएगा तो r आ जाएगा, कोई नहीं, इधर क्या आएगा? t आएगा। अब इस लाइन में बचा कौन? तो v बचा। तो अब हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो क्लियर हो गई है। क्या मिला हमें लास्ट में? तो फर्स्ट रो में मिला p, v, s, t,
R एंड Q. सेकेंड रो में मिला P से अगर हम लोग फेस कर रहे हैं तो C F A E B एंड D. इस तरह से हमें जो सीटिंग अरेंजमेंट है जो रो वाली है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें सी फ्रेंड्स इसमें हमें कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, हमने ट्राई एंड एरर किया. कैसे ट्राई एंड एरर किया? हमारे पास सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन थी जो थी बी और एफ के बीच में दो जने हैं. इसकी हेल्प की इसकी हेल्प लेके हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, ट्राई एंड एरर करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया. कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए वो लोग दो तीन हिंट ज़्यादा दे देते, पर इसमें उन्होंने क्लियर कट हिंट नहीं दी थी. कैसी दी थी? जो थोड़ी घूम घूम के जा रही हो, ठीक है, जिसमें हमें दो से ज़्यादा केसेस बनाने पड़े. तो इस टाइप के एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं, क्योंकि इस टाइप के एग्ज़ाम्पल में आपको स्पीड भी रखनी पड़ती है और दोनों केसेस मान के चलना पड़ता है. मान लो अगर आपने ऐसा बोल दिया कि बी इधर रख दिया और एफ इधर रख दिया और फिर सवाल कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ऐसा क्लियरली नहीं बोला है कि F के राइट में B है या F के लेफ्ट में B है. जब ऐसा नहीं बोला है तो दोनों पोजीशन कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए सारे केसेस को हमें साथ में लेके चलना होता है. क्लियर? इसके बेस पे सवाल देखते हैं. चलो, तो सवाल इस तरह से है. फर्स्ट सवाल है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग. चलो मैं थोड़ा क्लियर कर देती हूँ. हाँ, अब आपको क्लियरली दिखेगी. सवाल है हमारा, हु अमंग्स द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रोज. रो के एक्सट्रीम एंड पे कौन बैठा है? तो देखते कि कौन कौन बैठा है. पी क्यू है और सी एंड डी है. चेक करते हैं. चलो, तो पी क्यू एंड सी एंड डी है. आगे सी एंड डी था ना. चलो, हाँ, सी एंड डी है. तो अब एस एंड एस डी हमें मिला था, P, Q, C एंड D. चेक करते हैं Q एंड A. Q तो है पर A नहीं है, तो सेकेंड भी गलत, फर्स्ट भी गलत. दूसरे में V एंड C, नहीं है V. P एंड D, तो हाँ, P एंड D एक्सट्रीम एंड पे बैठे. अभी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक ही लाइन पे. ऐसा बोला होता कि रो वन में या फिर रो टू में, तब जाके इसमें से कोई नहीं आता. क्यों? क्योंकि रो वन में पी एंड क्यू है एंड रो टू में सी एंड डी है, तो ये वाला नहीं आता. पर क्योंकि उन्होंने क्लियरली बोला है, ऐसा नहीं बोला है क्लियरली कि रो वन या टू, तो हम कोई भी ले सकते हैं. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज पी एंड डी. नेक्स्ट सवाल है, हाउ मैनी पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन वी एंड आर. वी और आर के बीच में कितने लोग बैठे हैं? तो देखते हैं, V इधर है और R इधर है, दो जने बैठे S एंड T. तो आंसर क्या आएगा हमारा? दो. तो ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. थर्ड क्वेश्चन है, P इज रिलेटेड टू A. इन द सेम वे S इज रिलेटेड टू B. बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट, टू विच ऑफ द फॉलोइंग T रिलेटेड टू, फॉलोइंग द सेम पैटर्न. अब ये इम्पॉर्टेंट है, सेम पैटर्न. इसका मतलब ये दो एग्जांपल इसीलिए दिए हैं ताकि हमें वो पैटर्न मिले, वो लॉजिक जो है इन लोगों के बीच का वो मिले, जो रिलेशन है वो मिले, उसके बेस पे हम लोग थर्ड वाला जो हमारा आंसर है वो निकाल पाए. तो क्या बोला है कि P इज रिलेटेड टू A और एंड S इज रिलेटेड टू B. चेक करते हैं P कहाँ पे है. ये रहा, P इज रिलेटेड टू A. इसका मतलब ये कुछ इस तरह से रिलेटेड है. S इज रिलेटेड टू B, ठीक है, S इज रिलेटेड टू B, वही दिया था ना, S इज रिलेटेड टू, चेक करते हैं. हाँ, चलो, S इज रिलेटेड टू B. तो देख सकते हो कि क्रॉस में जा रहा है एक छोड़ के, इधर भी वही जा रहा है. तो हमें पूछा था T, तो T से क्लियरली हमें दिख रहा है कि T जो है वो कहाँ पे होगा, तो T इधर D से रिलेट होगा. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? डी, जो कि है ऑप्शन नंबर बी. क्लियर? नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग टी. टी के रिगार्डिंग कौन सा सही है? अगर हम लोग बात करें तो टी के रिगार्डिंग, तो टी एफ फेसेस टी, चेक करते हैं. एंड दूसरा वाला एफ फेसेस टी,
चलो एफ तो फेस नहीं कर रहा है टी को क्योंकि टी सॉरी क्योंकि टी जो है वो किसको फेस कर रहा है ई को फेस कर रहा है तो फर्स्ट वाला गलत है। सेकेंड वाला देखते हैं सेकेंड वाला क्या है ऑप्शन कि वी इज फर्स्ट गलत हो गया। वी इज इमीजिएट नेबर ऑफ टी चेक करते हैं वी इज इमीजिएट नेबर ऑफ टी नहीं है क्योंकि वी और टी के बीच में एस है तो वो भी गलत हो गया। थर्ड है एफ फेसेस द वन हु इज सेकेंड टू राइट ऑफ टी समझना एफ किसको फेस कर रहा है द वन हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी टी के सेकेंड में जो है चलो टी के सेकेंड राइट में टी ये रहा टी के सेकेंड राइट में यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ये चेक करो ये क्या है साउथ है साउथ फेस कर रहे हैं तो राइट और लेफ्ट उसका उल्टा हो जाता है नॉर्थ से तो टी के राइट में यानी कि फर्स्ट ये रहा और सेकेंड ये रहा टी के सेकेंड राइट में वी है क्या एफ उसको फेस कर रहा है तो हाँ ये करेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है थर्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप विच इज वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। इसमें ऐसा बोला है कि ये पांच ऑप्शन जो दिए हैं पांच ऑप्शन में से चार ऐसे हैं जो सेम है। मैंने आपको बोला था कि चार लड़कियां यानी कि चार लड़कियां अगर खड़ी है और एक लड़का खड़ा है तो ऑड क्या होगा लड़का तो उसको निकाल देंगे तो वही करना है। ये पांच में से चार एक जैसे है और एक जो है वो अलग है उसको निकालना है। चेक करते पहले तो सबसे पहले हमें करना क्या होगा तो सबसे पहले हमें उन दोनों के बीच का रिलेशन ढूंढना होगा कि वो कैसे उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है तब जाके हम लोग बता पाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए टी बी टी एफ पी तो इसमें टी दोनों में है तो हम लोग लेते हैं एफ पी एंड सी वी। पहले चेक करते हैं एफ पी और सी वी क्या बोलना चाहता है। ये रहा एफ कहाँ गया हाँ चलो ये रहा एफ मैं दूसरा पेन ले लेती हूँ एफ और टी चलो ये वाला क्रॉस ऐसे है ए और टी बोला था ये रहा ए और टी चलो ये ऐसे है बी और टी बोला था तो बी और टी ऐसे है फिर ऑप्शन दिए थे हमें सी वी ई एंड क्यू सी इधर है सी से वी ई एंड क्यू ई कहाँ पे है ये रहा ई एंड क्यू। इसका मतलब ये हुआ कि बी और टी जो है बाकी सारे इसी तरह जा रहे इस तरह जा रहे बाकी सारे पर ये बी और टी जो है वो इस तरह आ रहा है तो वो क्या होगा हमारा गलत आंसर होगा। ठीक है तो हमारा करेक्ट सॉरी हमारा गलत आंसर क्या हो जाएगा बी एंड टी होगा हमारा रॉन्ग आंसर। क्लियर ठीक है तो हमारा रॉन्ग आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई दैट इज बी एंड ऑप्शन नंबर बी दैट इज बी एंड टी। चेक करते ई और क्यू में भी हमने देखा था ई और क्यू में भी क्या है तो इसी तरह जा रहा है तो वो हो जाएगा हमारा गलत आंसर। चलो क्लियर हो गया वापस से हमें हम लोग एक बारी पैर देख लेते हैं। चलो ए टी बी टी एफ पी सी वी ई क्यू सॉरी गाइस ए टी बी टी सी वी ई क्यू और था लास्ट पैर क्या था एफ पी चलो लास्ट पैर था एफ पी। तो अब देखो ए और टी तो ए इधर है और टी इधर है सामने जा रहा है अगर बात करें बी और टी की तो इस तरह से आ रहा है सी और वी की तो इस तरह से जा रहा है। हाँ एक चीज़ नोटिस करो इसमें अभी सवाल जो है वो वैसे भी हो सकता है ये वाला हमने देखा वो भी लॉजिक हो सकता है और ऑप्शन में से अगर मैं बोलूँ आपको तो एक दूसरा लॉजिक हो सकता है कैसे हो सकता है तो करेक्ट जो रॉन्ग आंसर है वो ई एंड क्यू भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ई एंड क्यू रॉन्ग आंसर चेक करो ई एन क्यू जो है वो भी रॉन्ग आंसर हो सकता है। तो
सी एंड वी इस तरफ जा रहे, एफ एंड टी इन दोनों के बीच ये एक भी गैप नहीं था, इन दोनों के बीच में एक का गैप था, ए और टी के बीच में एक का भी गैप नहीं था, फिर ये गया एक का गैप था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, चलो यही वाला लॉजिक हम लोग लगाते हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी एंड टी, ठीक है। तो इस तरह से हमें सवाल करने होते हैं, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स। देखो इधर ऑप्शंस में मैंने एक गलती कर दी कि एफ एंड टी नहीं था, ऑप्शन में था एफ एंड पी था ऑप्शन, मैंने ले लिया है एफ एंड टी गलती से, ठीक है। आप लोग भी वही सोच रहे होगे कि मैम एफ एंड टी कहाँ से बोल रही है। तो अब देखो ये सी है, मैं अलग पेन यूज़ कर लेती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, सी है ठीक है, चलो ये सी है और ये वी है, तो ये इस तरह जा रहा है, फिर एफ है एंड पी है तो क्रॉस हो रहा है। अब देखो अब ये वाला नहीं बन रहा, अब क्या बन रहा है, तो अगर मैं आपको बोलूं तो अब कुछ इस तरह से बन रहा है। अब कैसे बन रहा है, तो कुछ इस तरह से जा रहा है, कुछ इस तरह से, यानी कि क्रॉस बन रहा है। कैसे बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, तो क्रॉस बन रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें ऑप्शंस, तो नेक्स्ट ऑप्शन है ये बी जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन अगर देखें तो बी एंड टी है, एफ एंड पी तो हमने देख लिया, बी एंड टी है, सी वी है, चेक करते बी एंड टी, तो ये रहा बी और ये रहा टी, फिर है, फिर कौन सा था, बी एंड टी था और ए एंड टी था, बी एंड टी था एंड ए एंड टी था, और था सी एंड वी, सी एंड वी को हमने कर दिया बी एंड टी, ये रहा बी, ये रहा टी, ये रहा ए, ये रहा टी, यानी कि वापस से क्रॉस बन रहा है, वापस से क्या बन रहा है, ऐसे क्रॉस बन रहा है। ई एन क्यू जो है वो अलग हो रहा है, ई एन क्यू जो है वो अलग हो रहा है, वहाँ पे कहीं पे भी हमें क्रॉस दूसरा वाला जो है, हमें ई एन क्यू जो है उसमें, ई एन क्यू में हमें ये तो दिख रहा है, पर ये वाला ऑप्शन जो है, ये वाला एरो कहीं पे नहीं है, इसका मतलब ई एन क्यू अकेला है। तो करेक्ट आंसर इस सवाल का क्या होगा, बी एंड टी नहीं होगा, पर क्या होगा, ई एंड क्यू, तो वो ध्यान में रखना, इसका करेक्ट आंसर होगा ई एंड क्यू, क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है, एक पजल दिख रहा है। तो नेक्स्ट सवाल है कि स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एट फ्रेंड्स एम एन ओ पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड अ सर्क्यूलर टेबल विथ इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। दैट मीन्स कि एक सर्क्यूलर टेबल पे, चलो ड्रॉ कर लेते हैं कि एक सर्कुलर टेबल पे, ये सर्कल जैसा दिख नहीं रहा, अच्छा चलो बोला है कि एक सर्कुलर टेबल पे चलो ये चल जाएगा वन दे देखते एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ, चलो बोला है कि आठ जने हैं, ठीक है। फिर क्या बोला है, नेक्स्ट अगर आप लोग देखो तो ओ सेट्स, नेक्स्ट बोला है कि दे सम ऑफ देम आर फेसिंग सेंटर विथ सम विथ सम फेस आउटसाइड। इसका मतलब कि ऐसा है कि कुछ लोग जो है वो अंदर की तरफ देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर की तरफ देख रहे हैं। अभी हमें नहीं पता कि कौन अंदर की तरफ देख रहा है, कौन बाहर की तरफ देख रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें आगे पूरी इन्फॉर्मेशन रीड करनी पड़ेगी, पर इतना तो पक्का है कि सब लोग कोई एक साइड नहीं देख रहे, ठीक है। बोले ओ सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर,
आर के सेकेंड राइट में ओ है, पर हमें ये नहीं पता कि आर कौन से साइड देख रहा है। पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। ओ सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर फेसेस द सेंटर। चलो इतना पता चल गया कि आर सेंटर में फेस कर रहा है, तो मैंने आर को इधर रख दिया। ठीक है, थोड़ा विजिबल कर देती हूँ। हाँ चलो, आर फेसेस द सेंटर। ठीक है चलो, थोड़ा और जगह आपके लिए बना देती हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ आए। बहुत इम्पोर्टेंट पजल है ये, ध्यान से समझना। बोला है कि ओ जो आर जो है वो अंदर फेस करता है। चलो इतना तो पता चल गया। अब अंदर फेस करता है इसका मतलब कि ओ कहाँ बैठा है, सिर्फ सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, आर के सेकेंड राइट में। तो अंदर देख रहा है तो ये उसका राइट साइड होगा, तो ये इधर ओ आ जाएगा। अब हमें ये नहीं पता ओ अंदर देख रहा है कि बाहर देख रहा है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ओनली टू पीपल सिट बिटवीन ओ एंड एन, और एन के बीच में दो जने बैठे, और बोला है इधर फ्रॉम ओज राइट और ओज लेफ्ट, ओ के राइट और लेफ्ट। पर हमें यही नहीं पता कि ओ के राइट क्या है और लेफ्ट क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि ओ जो है वो अंदर की तरफ देख रहा है या बाहर की तरफ देख रहा है। तो इसके लिए हम इधर दो और बने, दूसरा एक केस बनेगा। कैसे बनेगा, थोड़ा छोटा बनाया मैंने। ठीक है, अभी आर इधर है, ये पोजीशन फिक्स है, जो फिक्स है उसको लिख देंगे। अभी ओ से दो छोड़ के, तो ये एक और दो छोड़ दिया, एन इधर आएगा। और ओ से अगर मैं इस तरह से दो छोड़ू इस साइड से, तो एक और दो छोड़ के एन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बोला है कि एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के सेकेंड राइट में एस है। तो ओ अगर अंदर की तरफ देख रहा है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कहाँ पे देख रहा है, वो अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो उसके क्या बोला है, सेकेंड टू द राइट। इसका मतलब अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो ये राइट होगा, तो एस इधर आएगा, एस इधर आएगा। और अगर वो बाहर की तरफ देख रहा है, मान लो कि वो बाहर की तरफ देख रहा है, मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ, तो इसका राइट इधर होगा, तो इधर आएगा। पर इधर तो ऑलरेडी क्या है, ऐसे। इसका मतलब ओ की पोजीशन, ओ का जो साइड है हमें मिल गया। क्या मिल गया, कि ओ कहाँ पे देख रहा होगा, पक्का कहाँ पे देख रहा होगा, इनसाइड। क्लियर, वापस से बताती हूँ। हमें क्या बोला है कि एस ओ और एन के बीच में दो जन है, तो हमने दो केसेस बना दिए कि इधर राइट साइड और लेफ्ट साइड, क्योंकि हमें नहीं पता। फिर बोला है कि एस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ओ, एस कहाँ पे, ओ के सेकेंड राइट में। अब हमें जब पता ही नहीं है कि ओ अंदर की तरफ देख रहा है या बाहर की तरफ, हम लोग कैसे करेंगे, तो उसके लिए दो केस बनेंगे। सबसे पहले चेक करना होगा कि ओ अंदर की तरफ देख रहा है। अगर अंदर की तरफ देख रहा है तो एस इधर आएगा, और अगर बाहर की तरफ देख रहा है तो एस इधर आएगा आर की जगह पे। पर वो तो आ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑलरेडी आर है। जो पोजिशन फिक्स है उसको हम लोग हिलाएंगे नहीं। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। टी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन, अभी ये इंफॉर्मेशन ऐसी है कि एन के इमीडिएट राइट में टी है, पर अभी जब मुझे पता ही नहीं है एन अंदर देख रहा है बाहर देख रहा है, तो फिर मैं इसको कहाँ पे रखूँगी। एन है, इसके इमीडिएट राइट या लेफ्ट मुझे तो पता नहीं है एन कहाँ पे देख रहा है, पर एक चीज़ हमें पता है कि एन अगर इधर हुआ तो इसके राइट में, अगर मैं इधर देखूँ इमीजिएटली तो इधर एस है। इसका मतलब एन जो है वो अंदर की साइड नहीं देख रहा। अगर एन अंदर की साइड देख रहा होता तो क्या बोला है कि टी सिट्स टू द इमीजिएट राइट ऑफ एन, और ये क्या होता है, लेफ्ट होता है। ये क्या होता है, लेफ्ट होता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हो सकता है कि एन कहाँ पे है, एन कहाँ पे फेस कर रहा है, बाहर की साइड। तो बाहर की साइड फेस कर रहा है तो टी इधर आएगा। ठीक है, सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में बोला है कि, सेकेंड केस में क्या बोला है कि एन के राइट साइड में, अगर एन अंदर की तरफ देख रहा है तो इसका राइट साइड ये वाला होगा। इसका राइट साइड कहाँ पर होगा, ये वाला राइट होगा, इधर ये वाला राइट होगा, इधर क्या होगा, सॉरी ये क्या जाएगा, लेफ्ट जाएगा। तो इधर क्या होगा,
ये इधर क्या होगा, लेफ्ट होगा, पर हमें क्या बोला है n के राइट में, इसका मतलब n कहाँ पे देख रहा होगा, अंदर देख रहा होगा, ठीक है। इसमें चेक करते हैं, अगर n अंदर की तरफ देख रहा है तो अगर राइट साइड में जाएंगे तो r है, अगर r है तो हम लोग t को इधर नहीं रख सकते, तो n कहाँ पे देख रहा है, पक्का आउटसाइड देख रहा है, अगर आउटसाइड देख रहा है तो इधर देखो, इधर क्या आएगा, आउटसाइड देख रहा है तो इधर t आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते, नेक्स्ट बोला है कि s एंड n फेस अपोजिट डायरेक्शन, क्या बोला है, s एंड n फेस अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, एक सेकेंड रुकना गाइस। S and A, S and N face opposite direction. Clear? Next information हमें क्या दी है? कि next जो information है, कि S and N face opposite direction, N इधर inside है, तो S कहाँ पे आएगा? Outside आएगा. N अगर इधर आउटसाइड है तो एस कहाँ पे आएगा, इनसाइड आएगा, तो एस इधर, अगर इनसाइड है तो एस इधर आएगा, एस इनसाइड आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते, देखो अभी भी हमारे पास दो केस बन रहे हैं, अभी भी हमारे पास दो केस बन रहे हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज करके प्रॉपर लिख देती हूँ ताकि आपको पता चले, ठीक है, ये भी इरेज कर देती हूँ, डाउट ना हो आपको। चलो अब नेक्स्ट बोला है कि इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब ये अगर अंदर की तरफ देख रहा है एस के, इमीडिएट नेबर कौन है, एन है, और इधर ये आएगा, अभी ये पता नहीं कि ये कौन है, तो एन तो है पर ये जो भी होगा वो कहाँ पे देख रहा होगा, अंदर की तरफ। फिर बोला है इधर भी एस अगर अंदर है तो इधर पता नहीं है कि ये कहाँ पे देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग क्लियर नहीं बता सकते, ठीक है। चलो नेक्स्ट बोला है कि ओनली थ्री पीपल सिट बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में तीन लोग बैठे हैं। अभी मान लो मैं पी को इधर रखती हूँ तो एक दो तीन इधर क्यू आएगा, इधर से भी हम लोग चेक करते हैं क्योंकि हमें नहीं पता क्यू के लेफ्ट में बोला है या राइट में बोला है, तो एक दो तीन इधर से भी क्यू आ गया। चलो इसका तो हो गया, मान लो अगर P इधर है तो एक दो तीन नहीं आएगा, तो एक यही पोजीशन बन रही है। ऐसा भी हो सकता है कि Q इधर है और P इधर है, फिर इसमें चेक करते हैं तो इसमें P इधर आएगा तो एक दो तीन Q इधर आएगा, एक दो तीन Q इधर आएगा, वापस से P और Q हमें पोजीशन पता नहीं है तो P एंड Q बोथ हम लोग लिखेंगे। अब हमें ये डिसाइड करना है कि Q एंड P में से कौन सा इधर आएगा, एक बचा जो क्या बचा M एंड, तो M बचा M इधर आएगा, M बचा तो M इधर आएगा, ठीक है। अब देखना है नेक्स्ट क्या बोला है, नीदर P नॉर M इज इमीडिएट नेबर ऑफ R। अब बोला है कि P और M जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है, किसके नहीं है, R के नहीं है। तो पहले केस में देखो, पहला केस हमारा क्या है कि R ये रहा, P भी इधर आ रहा है, मान लो P को हम लोग नहीं रखते, Q को इधर रखते हैं और P को इधर रख देते हैं, पर M तो आएगा ही, तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट केस हमारा फेल हो गया। सेकेंड केस देखते हैं, सेकेंड केस में बोला है कि P एंड R जो है, P एंड M जो है, तो मैं फर्स्ट केस इरेज कर देती हूँ ताकि हमें डाउट ना हो। आई होप कि आपको समझ आ गया फर्स्ट केस क्यों गलत है, क्योंकि फर्स्ट केस पे बोला है कि R के बीच में हम लोग देख रहे हैं, आर के जो नेबर है वो कौन है, P एंड M दोनों आ रहे, तो दोनों R के नेबर नहीं होने चाहिए, इसीलिए फर्स्ट केस हमारा क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब हम लोग फोकस करेंगे सेकेंड केस पे, सेकेंड केस है, इसमें हमें दिख रहा है कि चलो M तो नहीं आ रहा है, M कहाँ पे आ रहा है, तो M इधर आ रहा है जो R के नज़दीक नहीं है, और P एंड Q की बारे में बात करें तो कोई नहीं, अगर P नहीं रह सकता R के नज़दीक तो Q तो रह सकता है ना, तो हम लोग Q को रख देंगे और इधर P को रख देंगे, ठीक है, समझो मेरी बात।
वो क्या बोल रहे हैं, आर इधर है, एम एंड पी इधर नहीं आने चाहिए। तो अगर एम एंड पी नहीं आते तो इसमें तो क्लियरली दिख रहा है कि एम नहीं आ रहा। अगर बात करें पी एंड क्यू की, तो पी नहीं आ सकता तो क्यू तो आ ही सकता है, ठीक है। आपकी मम्मी आपको ऐसा बोले कि मेरे व्हीकल पे आप दोनों नहीं आओगे, आप में से कोई एक आएगा, अगर मैं नहीं जा रही हूँ तो मेरा भाई जाएगा, ठीक है। तो वही सिचुएशन, अगर पी नहीं आ रहा तो क्यू जाएगा। अब हमें डायरेक्शन डिसाइड करनी है, क्यों, क्योंकि ये तो पोजीशन फिक्स मिल गई कि आर क्यू ओ एम एस पी फिर टी एन आर ऐसे है, पर हमें ये पता है कि एन आर ओ एंड एस की डायरेक्शन पता है, बाकी लोगों की डायरेक्शन नहीं पता। चेक करते हैं, कहीं पे इंफॉर्मेशन तो दी होगी, है ना। चलो, तो हमें एक चीज बोला था कि एस एंड एन फेस अपोजिट डायरेक्शन, तो वो हमने कर दिया। फिर बोला इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब इमीडिएट नेबर ऑफ एस जो है पी एंड एम सेम डायरेक्शन, पर हमें एम की भी डायरेक्शन नहीं पता, पी की भी डायरेक्शन नहीं पता, ठीक है, तो अभी उसको ऐसे ही रखते। फिर अगर बोला है कि क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, अब ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकेंड राइट में क्यू। अब राइट यानी कि इधर आ रहा है, क्यू आ तो रहा है सेकेंड में, पर राइट कब होगा, जब एम आउटसाइड होगा, एम क्या होगा आउटसाइड होगा, तभी क्या होगा इसकी जो पोजीशन है वो करेक्ट होगी, ठीक है। अगर मान लो मैं एम को इनसाइड रखती हूँ, एम को मैं इनसाइड रखती हूँ, तो ये क्या होगा मेरा राइट होगा और ये क्या होगा लेफ्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा, क्यू जो होगा वो मेरा लेफ्ट आएगा, पर बोला क्या है सिट राइट ऑफ एम, सिट राइट ऑफ एम, तो इसीलिए ये क्या होगा एम जो है वो बाहर होगा। अब मुझे एक चीज दिख रही है कि ये लाइन जो हमने पढ़ी थी कि इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेसेस द सेम डायरेक्शन, अब एम का मिल गया तो पी भी कहाँ देख रहा होगा, बाहर की साइड देख रहा होगा, क्लियर। अब बोला है कि बोथ टी एंड क्यू फेस अ डायरेक्शन अपोजिट दैट ऑफ ओ, ओ के अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं कौन, टी एंड क्यू, तो क्यू ओ इनसाइड देख रहा है तो क्यू आउटसाइड देखेगा, तो टी भी कहाँ पे देखेगा आउटसाइड। अब हमें सबके डायरेक्शन पता चल गई, और सबके डायरेक्शन तो पता चली गई, पर साथ में हमें सबकी पोजीशन भी पता चल गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, क्योंकि ये कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम्पल इजी बनाने के लिए वो लोग ऐसा बोल देते हैं कि इनसाइड फेस कर रहे हैं या फिर आउटसाइड फेस कर रहे हैं। डिफिकल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं कि इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ रख देते हैं। जब बोथ रखा है तब हमें बहुत केयरफुल होना पड़ता है, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन अंदर देख रहा है कौन बाहर देख रहा है, क्योंकि जब हम लोग इनसाइड देखते तो हमारा राइट एंड लेफ्ट अलग होता है, जब हम लोग आउटसाइड देखते तब हमारा राइट एंड लेफ्ट अलग होता है। इसीलिए मेक श्योर कि आप लोग जब भी चेक कर रहे हो तो चेक करो कि वो इनसाइड है कि आउटसाइड है। मान लो हमने लास्ट में देखा कि एम के सेकेंड राइट में, अब मुझे एम की डायरेक्शन तो पता नहीं थी, पर सेकेंड राइट सेकेंड में आ रहा था, वो मुझे दिख रहा था कि सेकेंड में आ रहा है। अगर मैं चेक करूँ तो सेकेंड में आ रहा था, तो वो आउटसाइड अगर देखेगा तब भी उसका राइट जो है वो नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान से करना। तो ये हो गया हमारा पजल सॉल्व। इसके बेस्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है। चलो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन, एक सेकेंड विजिबल कर देती हूँ आप लोगों के लिए। हाँ चलो, फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, हु सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन एम एंड पी, एम और पी के बीच में कौन बैठा है एग्जैक्टली। देखते हैं, एम इधर है, पी इधर है, तो क्लियरली दिख रहा है कौन है, क्लियरली दिख रहा है कौन है, एस है। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा हमारा, एस। करेक्ट आंसर क्या होगा, एस, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पीपल इन द गिवन अरेंजमेंट फेस द सेंटर, सेंटर में कितने लोग फेस कर रहे हैं। देखते हैं, एक ये है एस, एक ओ है और एक
आर है, यानी कि एक दो तीन, तीन जने ऐसे हैं जो सेंटर में फेस कर रहे। तो चेक करते तीन कहाँ पे है, वन नहीं आएगा, थ्री आएगा। तो करेक्ट आंसर इसका भी क्या होगा, थ्री, दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, टी के सेकेंड राइट में कौन बैठा है। देख लेते, टी इधर है, उसके सेकेंड, टी के सेकेंड राइट में टी इधर है। अब टी पहले देखो कि टी कहाँ पे फेस कर रहा है, इनसाइड या आउटसाइड। अगर इनसाइड है तो अलग आंसर आएगा, आउटसाइड है तो अलग आंसर आएगा। टी के सेकेंड राइट बोला है तो टी आउटसाइड फेस कर रहा है, तो आउटसाइड है तो उसका राइट कहाँ पे होगा, इस साइड पे होगा, ठीक है। अगर आउटसाइड है तो राइट उस साइड पे होगा, तो एस आंसर आएगा, सेकेंड बोला है ना, तो एस आंसर आएगा, ठीक है। चलो इसका भी आंसर एस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन द गिवन सीटिंग अरेंजमेंट एंड सो फॉर्म अ ग्रुप, विच वन, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। ये दो बार आ गया, दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप, कौन सा ऐसा है जो बिलोंग नहीं करता। तो अब हमें एक चीज देखना है कि पी ओ टी एम क्यू, चलो देखते हैं। पी ए है, ओ इधर है, फिर टी है, एम है एंड क्यू है। तो इन सब में से मुझे एक चीज दिख रही है, कोई एक सीक्वेंस तो फॉलो नहीं हो रहा कि पी के बाद एस आया हुआ, फिर एक छोड़ के एम आया, फिर एक छोड़ के क्यू आया, ऐसे तो कोई सीक्वेंस फॉलो हो नहीं रही है। देखो ऐसे कोई सीक्वेंस क्या फॉलो हो रही है, तो नहीं। पी ओ टी एम क्यू, देखो पी फिर ओ फिर क्यू एम टी, कहीं पे भी नहीं हो रही। तो उसका मतलब क्या हुआ, एक चीज देखो, ये ओ है वो इनसाइड है, बाकी के चार जो ऑप्शन है पी एम क्यू टी, चारों कहाँ पे फेस कर रहे, बाकी के चारों जो है वो कहाँ पे फेस कर रहे, आउटसाइड फेस कर रहे। इसका मतलब सिर्फ ओ ऐसा है जो कहाँ पे फेस कर रहा है, इनसाइड फेस कर रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ओ। क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे फेस कर रहा है, इट इज़ द ओनली वन कि जो आउटसाइड फेस कर रहा है, रेस्ट ऑफ द फोर आर फेसिंग इनसाइड, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसका आंसर करना है। नेक्स्ट सवाल है, व्हाट इज पीस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन क्या है। देखते हैं, चलो आर इधर है, आर इधर है एंड पी इधर है। अब इधर से राइट से देखो, आर के राइट से देखो तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, आर के राइट से फिफ्थ पे है, आर के लेफ्ट से थर्ड पे है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या दिया है, सेकेंड टू द लेफ्ट नहीं है, सेकेंड थर्ड टू द राइट, राइट नहीं है, राइट है, देखो कुछ इस तरह से है। अब समझ जाना, मेरा सर्कल थोड़ा ऑकवर्ड है। आर इधर है, इनसाइड देख रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आर कहाँ पे देख रहा है, इनसाइड देख रहा है। अब पी इधर है, वो आउटसाइड देखे इनसाइड देखे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए। क्यों, क्योंकि हमें आर के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन निकालनी है। आर के रिस्पेक्ट में देखो तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड पे आया, पर ये डायरेक्शन कौन सी है, ये डायरेक्शन कौन सी है, तो ये डायरेक्शन अगर आप देखोगे तो वो कौन सी है, लेफ्ट डायरेक्शन है। ये क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये कहाँ पे होगा, राइट होगा। कब, जब वो फेसिंग इनसाइड है तब। तो इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड टू द लेफ्ट, क्लियर। तो ये था हमारा पजल और इसके पांच क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन के बेस्ड पे, सिलोजिज्म बोलते हैं जिसको हम लोग। तो क्वेश्चन है कि ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन, एक्सक्यूज मी, ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड बाय टू कंक्लूजन नंबर वन एंड टू। यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू इवन इफ दे सीम टू बी वेरिएंट विथ कॉमनली नो फैक्ट नोन फैक्ट्स। अब इसमें ये ऑप्शन दिए हैं,
क्या है कि ओनली वन फॉलोज, ओनली टू फॉलोज, ओनली वन और इधर वन और टू फॉलोज, नीदर फॉलोज एंड बोथ फॉलोज. ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल बैग्स आर पर्स. चलो ये बैग्स है तो ये सारी की सारी बैग्स क्या है, पर्स है. सारी की सारी बैग्स जो है वो क्या है, पर्स है. फिर बोला है नो पर्स इज ब्लैक, कोई भी पर्स जो है वो ब्लैक नहीं है. ये मैं इधर रख देती हूँ बैग. फिर कोई भी पर्स जो है वो क्या नहीं है, ब्लैक नहीं है. फिर क्या बोला है कि ऑल ब्लैक्स आर कवर्स. ये पूरे के पूरे ब्लैक्स क्या है, कवर्स है. कंक्लूजन बोला है, ये स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हमने रख दिया. ठीक है, अब कंक्लूजन की बारी. ऑल बैग्स आर कवर्स, सारे बैग्स कवर्स है. क्या सारे बैग्स कवर्स हो सकते हैं, क्या सारे बैग्स कवर हो सकते हैं? हाँ, सारे बैग कवर हो सकते हैं, सारे बैग कवर हो सकते हैं. मैं पूरे के पूरे बैग को उठा के इसमें रख सकती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ब्लैक और पर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, पर कवर और बैग का मुझे नहीं पता है. तो ये हो सकते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि वो है कि नहीं है. और जब भी हम लोग इसमें आंसर कर रहे हैं तभी हम लोग फॉलो करता है वैसा आंसर करेंगे जब वो डिफाइनाइट हो. कैसा हो? डिफाइनाइट हो, हमें पक्का पता हो कि ये पक्का फॉलो करता है तब. या फिर पॉसिबिलिटी हो. ऐसा बोला होता कि ऑल बैग्स आर कवर्स कैन बी अ पॉसिबिलिटी, ऐसे करके कुछ पॉसिबिलिटी वाला होता तो वो हम लोग बोलते कि हाँ वो फॉलो करता है. पर इधर क्लियरली दिख रहा है कि वो फॉलो नहीं करेगा. हो भी सकता है कि फॉलो कर भी सकता है, पर अभी तो फॉलो नहीं कर रहा, वी आर नॉट श्योर. तो इसमें क्या आएगा, गलत हो जाएगा. सेकेंड बात करते हैं, सम कवर्स आर पर्स. सम कवर्स, ये कुछ कवर्स जो है वो पर्स है. तो इधर तो क्लियरली दिख रहा है कि वो नहीं है, वो क्या है, नहीं है. तो इसीलिए अगर हम लोग देखें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा. अब देखो कि अगर हम लोग देखें तो सम कवर्स आर पर्स. अभी मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि हाँ कुछ कवर्स ऐसे आ सकते हैं कि जिसमें इधर ब्लैक हो, पर ये पक्का होगा ऐसा नहीं पता. इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये भी नहीं है. इसका मतलब फर्स्ट का आंसर आएगा नीदर वन नॉर टू फॉलोस. ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा, नीदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलोस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट सवाल है, स्टेटमेंट है कि सम कैट्स आर रेड्स. क्या बोला है, सम कैट्स आर रेड्स. तो ये ड्रॉ करते हैं हम लोग कैट्स और ये ड्रॉ करते हैं रेड्स. फिर बोला है सम रेड्स आर फिशेस. तो अभी ये रेड्स में से कुछ रेड्स जो है वो क्या है, फिश भी है. तो चलो ये मैं थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको पता चले. चलो, सम कैट्स आर रेड्स और बोला है कि सम रेड्स आर फिशेस. फिर बोला है ऑल फिशेस आर बर्ड्स. ये सारे के सारे क्या है, बर्ड्स है. क्लियर. कंक्लूजन बोला है कि सम फिशेस आर रेड्स. क्या बोला है, सम फिशेस आर रेड्स. अब देखते हैं फिश यहाँ पे है, ये रेड है, तो क्या होगा, अंदर क्लियरली दिख रहा है कि वो क्या है, इसके अंदर आ रहा है. क्या हो रहा है, इसके अंदर आ ही रहा है. अगर मैं ऐसा बोलूं कि सम रेड्स आर फिशेस और ऐसा बोलूं सम फिशेस आर रेड्स, ट्रू होगा. सेकेंड बोलते हैं कि ऑल कैट्स बीइंग बर्ड्स इज अ पॉसिबिलिटी. ये सारे के सारे कैट्स को अगर मैं उठा के इधर रख दूं तो ये करेक्ट होगा, इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो सकता है. तो क्लियरली दिख रहा है कि ऐसा हो सकता है. क्यों हो सकता है, क्योंकि कोई नेगेटिव रिलेशन हमें नहीं दिया है और ऐसा भी नहीं बोला है कि ये पक्का है कि नहीं है. पर जब पॉसिबिलिटी आता है, पॉसिबिलिटी यानी कि हो सकता है, तो हाँ ऐसा हो सकता है कि ये पूरे के पूरे जो कैट्स है वो पूरे के पूरे बैट्स में
आ सकते हैं, इसीलिए क्या होगा, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, सम फ्लावर्स आर रोजेस। चलो तो सम फ्लावर्स क्या है, रोजेस है। फिर बोला है नो रोज इज रेड, कोई भी रोज जो है वो रेड नहीं है। फिर बोला है ऑल रेड आर लीव्स, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब कंक्लूजन क्या बोलते हैं, तो कंक्लूजन में बोला है सम फ्लावर्स आर डेफिनेटली नॉट रेड, बोला है सम फ्लावर्स आर डेफिनेटली नॉट रेड। तो ये जो पोर्शन है जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो पोर्शन क्या है, फ्लावर प्लस रोज। इसमें क्या होगा, फ्लावर और रोज दोनों होगा। अब हमें क्या बोला है कि सम फ्लावर्स आर डेफिनेटली नॉट, सम फ्लावर्स आर डेफिनेटली नॉट रेड। तो अगर रोज और रेड के बीच में रिलेशन नहीं है तो ये वाला जो है इसमें रोज और फ्लावर दोनों हो गए, तो ये जो है इसमें क्लियर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि ये कंक्लूजन गलत है, ठीक है, सॉरी ये क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ऐसा ही है कि कुछ जो है, कुछ फ्लावर्स जो है वो डेफिनेटली रेड नहीं है। फिर बोला है सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट रोजेस, क्या बोला है, सम लीव्स आर डेफिनेटली नॉट रोजेस। तो सम लीव्स, तो ये कुछ लीव्स जो है वो रोज नहीं है, तो वो कैसे हो गए, तो ये जो रेड, जितना पार्ट रेड में होगा उतने तो रोज नहीं ही होंगे। उन्होंने अगर ऑल बोला होता तो हमने सोचना पड़ता, सम बोला है तो क्लियर है इतना पार्ट जो है वो नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी करेक्ट है। तो क्या आएगा इसमें भी, बोथ फॉलोस, ठीक है, क्या आएगा, बोथ फॉलोस। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल है ऑल कार्ड्स आर शीट्स। चलो ऑल कार्ड्स आर शीट्स, फिर बोला है ऑल फाइल्स आर कार्ड्स, पूरी की पूरी फाइल्स जो है वो कार्ड्स में आएगी। फिर बोला है कि सम शीट्स आर पेपर्स, चलो इतना बोला है। अब बोला है कि ऑल फाइल्स बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पूरी की पूरी फाइल पेपर में आ जाए वो पॉसिबिलिटी है, तो हाँ ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अगर मैं इसके अंदर रख दूँ तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी बोला है तो हो सकता है। अगर, क्योंकि हमें नहीं, अगर ऐसा बोला होता कि फाइल और पेपर्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ऐसा बोला होता फिर पॉसिबिलिटी बोला होता तो वो गलत होता, क्योंकि अगर नहीं है, मान लो आप और आपके दोस्त कोई भी पॉइंट पे झगड़े हो, ठीक है, तो वो पक्का पता है कि अब वो आपसे बात नहीं करने वाला, तो पॉसिबिलिटी का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और आप और आपके फ्रेंड के बीच में कुछ बहुत छोटी सी बात हुई है तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे फिर से बात करे, तो हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक तो पॉजिटिव बात बोली है और पॉसिबिलिटी भी बोली है। सेकेंड दिया है ऑल फाइल्स आर नॉट शीट्स, तो नॉट वाला तो हमें पता ही नहीं है वो है कि नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ओनली वन फॉलोस, ठीक है। लास्ट सवाल देखते हैं, सम फ्लावर्स आर रोजेस। चलो सम फ्लावर्स आर रोजेस, वही वाला है, नो रोज इज रेड, कोई भी रोज रेड नहीं है। फिर बोला है ऑल रेड आर लीव्स, वही का वही है, ठीक है। फिर बोला है सम फ्लावर्स आर नॉट लीव्स, कुछ फ्लावर्स लीव्स नहीं है। अब इसमें कैसे करेंगे, उसके पहले जो दिया था वो तो क्या दिया था कि सम रोजेस, सम फ्लावर्स आर नॉट रेड, वो दिया था। अब बोला है कि सम फ्लावर्स आर नॉट लीव्स, तो ये जो होगा वो पार्ट कितना होगा, ये पार्ट क्या होगा कि जिसमें फ्लावर्स प्लस रोज दोनों हैं, तो ये जो पार्ट है वो तो क्या होगा, क्या मैं मान लो क्या मैं पूरे फ्लावर को इधर रख सकती हूँ, पूरे फ्लावर को, और उसके बाजू में मैंने रख दिया रोज को, समझो मेरी बात। मान लो मैं इधर पूरे के पूरे फ्लावर को इधर रख देती हूँ और इधर रोज करती हूँ, तो पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि लीव्स और फ्लावर के बीच का रिलेशन हमें नहीं पता, हमें नहीं पता,
नहीं पता तब हम लोग पक्का ऐसा नहीं बोल सकते कि वो नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर बात करें नो लीव इज रेड, कोई भी लीव रेड तो पक्का गलत है क्योंकि ये क्या है, उसके अंदर ही है, तो क्या हो जाएगा, नन फॉलोस। क्या होगा, नन फॉलोस। क्यों, फर्स्ट वाला देखो वापस से बताती हूँ, सम फ्लावर्स आर नॉट लीव्स, कुछ फ्लावर्स लीव नहीं है। अभी लीव और फ्लावर के बीच का रिलेशन ही जब हमें नहीं पता तो हम लोग कैसे करेंगे, क्योंकि अगर मैं ये फ्लावर को उठा के यहाँ पे रख दूँ तो ये पॉसिबल दिख रहा है, क्योंकि रोज और रेड के बीच में दुश्मनी है, लीव और फ्लावर का तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि वो हम पक्का नहीं बता सकते, जब पक्का नहीं बता सकते वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे सारे सवाल पेपर के, 40 क्वेश्चन हमने पढ़े। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, जो भी आपके डाउट है वो कमेंट में बताओ और आंसर्स भी कमेंट में बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है। चलो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।